जैसे ही रक्त बीज ने वसीम और अमित की तरफ देखा, कुछ पल के लिए तो मानो वो बिल्कुल जम गया। इसके बाद वो लाइन के पीछे जाकर खड़ा हो गया। मेरे जैसा अच्छा वैम्पायर कभी भी लाइन तोड़ने की कोशिश थोड़ी करता है। मास्टर वसीम, मास्टर अमित, आप दोनों से यहां मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई, रक्त बीज ने कहा। इसके बाद रक्त बीज ने अपना चेहरा मोड़ लिया और उसके चेहरे की जो मुस्कुराहट थी वो गायब हो गई। अब उसके माथे पर पसीना बह रहा था। भले ही उसके जैसे नवे लेवल के वैम्पायर के लिए ऐसे अपनी बात से पलट जाना बहुत ही बेइज्जती भरा था, लेकिन बर्फ और आग के देवता के आगे उसका टिकना बिल्कुल नामुमकिन था। इस दुनिया में आखिर चल क्या रहा है? भगवान का शुक्र है कि मैं सही समय पर रुक गया, वरना आज तो मेरी जमकर पिटाई हो जाती। इन दोनों ने मिलकर तो एक पूरी स्पीशीज को तबाह कर दिया था, फिर ये दोनों तो मेरा और भी बुरा हाल करते। रक्त बीज के दिमाग में जैसे ही ये बात आई, उसका पसीना और तेजी से बहने लगा। रिया ने वफादारों की बिल्डिंग के चौथे लेवल के मैजिशियंस को लड़ाकू जादू से हरा दिया। अब तो तुम समझ ही गए होगे कि लड़ाकू जादू दूर से हमला करने वाले जादू से अच्छा है, अमित ने वसीम की तरफ मुड़कर कहा। उसे रक्त बीज से कोई लेना देना नहीं था, वो तो बस अपने जानी दुश्मन को नीचा दिखाना चाहता था। चौथे लेवल के मैजिशियन रिया अब इतनी ताकतवर हो गई है? वो बस अभी 4 साल की है और अभी से वो चौथे लेवल की मैजिशियन बन गई। क्या कमाल की स्टूडेंट है। मुझे तो लगता है कि राजकुमारी इशिता भी 4 साल की उम्र में चौथे लेवल की मैजिशियन नहीं बन पाई थी। रेस्टोरेंट के सामने खड़े कस्टमर्स आपस में बातें करने लगे थे। रिया इतनी प्यारी थी कि सभी को लगता था कि वो किसी को नुकसान तक नहीं पहुंचा सकते थे, लेकिन उसने वफादारों की बिल्डिंग के चौथे लेवल के मैजिशियंस को हरा दिया था। यह सुनकर सभी को काफी सरप्राइज हुआ था। एक चौथे लेवल का मैजिशियन इंटरमीडिएट मैजिशियन कहलाता है। मुखिया जी के महल में या देवी मंदिर में इस पावर का कोई भी व्यक्ति किसी छोटी पलटन का लीडर बन सकता था। लगता है रिया मारिया रेस्टोरेंट की छुपी हुई ताकत है। जब उसे गुस्सा आता है तो वो वाकई बहुत खतरनाक हो जाती है, सिद्धार्थ ने एक गहरी सांस लेकर कहा। वाकई में आज जब प्रशांत घर वापस आया तो उसने मुझे बताया कि रिया तो ककाओ स्कूल की हीरो बन चुकी है। उसने अकेले ही वफादारों की बिल्डिंग के दो दो मैजिशियंस को हराया था और उसके बाद वफादारों की बिल्डिंग ने हार मान ली, गजाधर ने स्माइल करते हुए सिर हिलाकर कहा। 4 साल की लड़की, वो भी चौथे लेवल की मैजिशियन, लगता है ये लड़की वाकई काफी अच्छी स्टूडेंट है। जब मैं वापस जाऊंगा तो अपने लोगों को इस बारे में जरूर बताऊंगा। हमें अपनी पूरी कोशिश करनी चाहिए कि कभी भी रिया से पंगा ना लें, खासकर तब जब उसके वसीम और अमित जैसे मास्टर्स हों। जैसे ही रक्त बीज ने सभी लोगों की बातें सुनी, उसने अपने आप से ही एक वादा कर लिया। वो लोग तो सिर्फ चौथे लेवल के मैजिशियन थे, 5वें लेवल के मैजिशियन का भी रिया के बर्फीले जादू से कोई मुकाबला नहीं है, वसीम ने अपने होंठ काटकर जवाब दिया। उसे अमित की बात से जरा भी गुस्सा नहीं आया था, बल्कि उसके अंदर तो विश्वास भर गया था। यह बात सुनकर सारे कस्टमर्स बिल्कुल हिल गए। अभी अमित और वसीम को ज्यादा समय नहीं हुआ था जब उन्होंने रिया को अपनी स्टूडेंट के तौर पर अपनाया था, इसलिए किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि रिया की प्रोग्रेस इतनी तेजी से कैसे हो गई थी। वो तो शायद आगे आने वाले समय में जादुई दुनिया के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ सकती थी। हालांकि बर्फ और आग के देवता के स्टूडेंट से सभी को यही उम्मीद थी। अब सभी को बिल्कुल साफ साफ समझ में आ गया था कि क्यों अमित और वसीम ने अपनी सालों पुरानी दुश्मनी रिया के कारण भुला दी थी। मौका आने पर रिया तो 6वें लेवल के मैजिशियन को भी अपनी लाठी से आसानी से पीट देगी, अमित भी पीछे हटने वालों में से नहीं था। वो जाकर बहुत मीठी रसमलाई पसंद करने वाली लाइन में लग गया। हाँ, वो तो देखा जाएगा, वसीम ने हंसते हुए कहा और जाकर नॉर्मल मीठी रसमलाई वाली लाइन में लग गया। लाइन के एक तरफ काफी ठंडक थी और दूसरी तरफ गर्माहट, इस कारण माहौल काफी तनातनी भरा हो गया था। रक्तबीज ने जैसे ही देखा कि वसीम और अमित उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं तो उसने राहत की सांस ली, लेकिन जैसे ही रक्तबीज की नजर भोला पर पड़ी वो काफी सरप्राइज हो गया। एक बौना लड़का, उसने धीरे से कहा। अरे देखो तो, हमारे सामने एक डीमन खड़ा है, भोला ने रक्तबीज की तरफ मुड़कर मजाकिया अंदाज में कहा। क्या तुम मेरे बारे में बात कर रहे हो छोटे लड़के, रक्तबीज ने गर्व के साथ कहा। फिर उसने घमंडी अंदाज में भोला की तरफ देखकर बोला,
हम वैम्पायर वाकई में काफी ताकतवर होते हैं। हम सिर्फ खून पीते हैं और हमारी इज्जत पूरे राज्य में है। अच्छा, सचमुच? मैंने तो सुना है कि राजकुमारी इशिता ने जबरदस्ती किसी वैम्पायर को घास खिलाई थी। क्या ये तुम लोगों में से ही कोई वैम्पायर था जो सिर्फ खून पीता है? भोला ने बहुत ही बड़ा मुद्दा सामने रखते हुए कहा। सभी कस्टमर्स खुद को बड़ी मुश्किल से हंसने से रोक रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि भोला ने ऐसी बात क्यों शुरू की थी, लेकिन अभी कुछ दिनों पहले ही उन्होंने एक वैम्पायर को घास खिलाने वाला किस्सा सुना था जो कि बहुत ही मजेदार था। आखिर इसे इस बारे में कैसे पता चला? रक्तबीज ने अपनी आईब्रो ऊपर करके सोचा। अगर रक्तबीज अभी सच्चाई को मान लेता तो शायद उसे इस रेस्टोरेंट के सामने फिर से एम्बैरस होना पड़ता। लेकिन उसने शांत रहकर कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? और अगर ऐसा हुआ भी होगा तो ऐसा किसी भी वैम्पायर के साथ नहीं हुआ होगा, और वो मैं तो हो ही नहीं सकता। क्या सचमुच? भोला ने रक्तबीज को शक भरी नजरों से देखकर कहा, क्योंकि रक्तबीज ने सारे वैम्पायर्स की तरफ से अपना पल्ला झाड़ लिया था। हाँ बिल्कुल, ये सच बात है। हम वैम्पायर्स का स्वाभिमान बहुत मायने रखता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी ने भी घास खाई हो, रक्तबीज ने कहा। तुम रसमलाई कौन सा फ्लेवर का खाते हो? हीरामन ने पूछा। मैं नॉर्मल मीठी रसमलाई खाता हूं। अरे, रक्तबीज ने कहा, और उसे सभी लोग स्माइल करते हुए नजर आने लगे। उसे लग रहा था जैसे उसकी इज्जत मिट्टी में मिल गई थी। कुछ देर पहले उसने घास और वेजिटेबल्स ना खाने की बात की थी, लेकिन अभी उसने रसमलाई के फ्लेवर की बात कहकर अपनी ही बात को काट दिया था। वो काफी देर तक हीरामन को घूरता रहा और चुप हो गया। ये बढ़िया सवाल था, भोला ने हीरामन की तरफ देखकर कहा। उसने कभी नहीं सोचा था कि कोई एक वैम्पायर के सामने ऐसा सवाल रख सकता था जिससे वो खुद ही एम्बैरस फील करने लगे। किसी भी घमंडी को मिट्टी में मिलाने का ये सबसे अच्छा तरीका था। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूं? हीरामन ने भोला की तरफ देखकर स्माइल करते हुए कहा। हीरामन रक्तबीज की गुस्से भरी नजरों से थोड़ा सा डर गया था, लेकिन भोला की तारीफ के बाद उसके अंदर दोबारा खुशी और विश्वास भर गया था। मेरा नाम भोला है, भोला ने दूसरी तरफ देखते हुए जवाब दिया। भोला? अब कम से कम मुझे इसका नाम तो पता है। शायद मैं भोली जी के भाई से उसके दिल की सारी बातें जान सकता हूं। हीरामन की आंखों में एक्साइटमेंट के कारण चमक आ गई। ठीक तभी रिया अगले डकलिंग को लेकर रेस्टोरेंट के बाहर आई। वो अपने दूसरे हाथ में एक स्टूल लिए हुई थी। रिया काफी कंफ्यूज होकर उस स्टूल पर बैठ गई और कहा, आज आप लोग लड़कियों ने रहे हैं। रिया की आवाज सुनते ही लाइन के आगे की तरफ खड़े सभी लोग चुप हो गए। सभी बड़े अजीब ढंग से रिया को स्टूल पर बैठा हुआ देख रहे थे। उन्हें अब रिया के ऐसे बर्ताव की आदत हो गई थी। रिया हमेशा लड़ाई करने वालों का हौसला बढ़ाती थी। कस्टमर्स को लगने लगा था कि अब वो बस रिया के मनोरंजन का एक साधन बनकर रह गए थे। रिया ने सभी शांत कस्टमर्स की तरफ देखा और थोड़ी निराश हो गई। फिर वो अमित और वसीम की तरफ मुड़ गई। मास्टर आधी दाढ़ी वाले और मास्टर कछुआ, आप दोनों में से ज्यादा ताकतवर कौन है? रिया ने पूछा। अमित और वसीम के पीछे खड़े कस्टमर्स एक साथ कुछ कदम पीछे हट गए और सभी अब काफी क्यूरियस हो गए थे। उन्हें पता था कि अमित और वसीम की कई सालों से लड़ाई चल रही थी, और अभी वो लोग नॉर्मल मीठी और बहुत मीठी रसमलाई पसंद करने वालों के लीडर बन गए थे। इसलिए यह जानना काफी इंटरेस्टिंग था कि इन दोनों में से ज्यादा ताकतवर कौन था। तुम्हें क्या लगता है प्यारी रिया, तुम्हें याद है कि तुमने आखिर में विरोधियों को हराने के लिए लड़ाकू जादू का इस्तेमाल किया था? अमित ने रिया की तरफ देखकर विश्वास भरी आवाज में कहा। लेकिन मास्टर आधी दाढ़ी वाले, मैंने तो आखिर में दूर से हमला करने वाला मंत्र ही पढ़ा था, है ना? रिया ने मासूम अंदाज में कहा। अमित के एक्सप्रेशंस बिल्कुल बदल गए। तुमने देखा, रिया को भी लगता है कि दूर से हमला करने वाला जादू ही सबसे ताकतवर है। अमित, तुम्हारा लड़ाकू जादू तो बिल्कुल बेकार है, वसीम ने अमित की तरफ मुड़कर कहा। लेकिन मास्टर कछुआ, मैंने मास्टर आधी दाढ़ी वाले के सिखाए फायरबॉल मैजिक का भी इस्तेमाल किया था, रिया ने कहा। वसीम की आंखें खुली की खुली रह गईं। वो तो अमित की और बेइज्जती करना चाहता था, लेकिन उसकी बातें उसके गले में ही अटक कर रह गई थीं। मुझे तो लगता है कि मास्टर आधी दाढ़ी वाले का लड़ाकू जादू बहुत ताकतवर है,
लेकिन मास्टर कछुआ ने मुझे जो सबसे बर्फीला आग का जादू सिखाया था वो भी बहुत ताकतवर है। मुझे तो ये भी नहीं पता है कि इन दोनों में से ज्यादा ताकतवर कौन सा था। रिया ने अमित और वसीम की तरफ देखकर कहा, कितनी चालाक लड़की है, ये दोनों महान मैजिशियंस को भड़काकर उन्हें लड़ाने की कोशिश कर रही है। मैंने कभी भी इतने महान जादूगरों की लड़ाई नहीं देखी, ये देखने में वाकई कमाल की होगी, वंदना ने हंसकर कहा। रिया जानबूझकर लड़ाई शुरू नहीं करवा रही है, वफादारों की बिल्डिंग के खिलाफ मुकाबले में उसकी परफॉर्मेंस वाकई कमाल की थी। उसका लड़ाकू जादू और दूर से हमला करने वाला जादू दोनों शानदार थे। अगर मैं भी उसकी जगह होती तो मैं भी नहीं चुन पाती कि इन दोनों में से ज्यादा अच्छा कौन सा था, सौम्या ने स्माइल करते हुए कहा। उसने रिया की काबिलियत देखी थी, इसलिए उसे पता था कि रिया ऐसी उलझी हुई क्यों थी। इस लड़की की मां आखिर कौन होगी, इसमें इतनी ताकत कैसे हो सकती है? मुझे रेस्टोरेंट के ओनर के अंदर तो कोई भी जादुई ताकत महसूस नहीं होती, तो वो मैजिशियन तो हो ही नहीं सकता। और अगर ऐसा है तो इसे इसकी ताकत अपनी मां से ही मिली होगी। पूरी बौनी जाति में इसके जितनी ताकतवर लड़की शायद ही कोई हो, यहां तक कि बौनो की राजकुमारी भी इसकी उम्र में इतनी ताकतवर नहीं थी। भोला ने अपनी आईब्रो ऊपर करके रिया की तरफ देखते हुए क्यूरियस होकर सोचा, प्यारी रिया, बर्फीला जादू ही सबसे ताकतवर है। तुमने तो अब सबसे बर्फीली आग का जादू भी सीख लिया है, तो अगली बार मैं तुम्हें और भी ज्यादा अच्छा जादू सिखाऊंगा। मैं तुम्हें बर्फीले राक्षस का जादू भी सिखा सकता हूँ, जिससे तुम किसी को भी मिट्टी में मिला सकती हो, वसीम ने सीरियस होकर रिया की तरफ देखते हुए कहा, जिसके बाद उसके हाथ में एक बर्फीली तलवार दिखने लगी। यह तो सब बेकार है रिया, तुम अपनी लाठी घुमाकर कोई भी बर्फीले जादू को मिट्टी में मिला सकती हो। रिया, अब से मैं भी तुम्हें लड़ाकू जादू की बहुत खतरनाक चीजें सिखाऊंगा। आगे आने वाले समय में तुम्हें किसी भी जादूगर या योद्धा से डरने की कोई जरूरत नहीं होगी, तुम बड़ी आसानी से उन्हें अपनी लाठी से हरा पाओगी, अमित ने भी सीरियस होकर कहा और अपना पैर जमीन पर पटक दिया, जिससे आग की एक दीवार उठी और बर्फीली दीवार पर अपना असर दिखाने लगी। इन दोनों के पीछे खड़े कस्टमर्स अब और भी डर गए थे और वो कुछ कदम और पीछे हो गए। उन्हें पता था कि इन दोनों के बीच की लड़ाई से बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता था और शायद वो लोग मर भी सकते थे। माहौल में धीरे धीरे और भी ज्यादा गर्मा गर्मी बढ़ती गई। किसी भी महान मैजिशियन का मंत्र बहुत ताकतवर होता था, भले ही इन मंत्रों की एक लिमिट थी, लेकिन इनके कारण हवा में जो मैजिक वेव्स निकलती थी उससे किसी की भी जान हथेली पर आ सकती थी। अब हमारा रेस्टोरेंट खुल चुका है, आप प्लीज अंदर आ जाइए। ठीक तभी प्रेम स्माइल करता हुआ बाहर आया और रिया के सिर पर हाथ फेरने लगा। रिया वाकई में परेशानी खड़ी करवाने में बहुत माहिर थे। सच तो यह था कि प्रेम भी ये जानने के लिए काफी क्यूरियस था कि वसीम और अमित में कौन ज्यादा ताकतवर था। अगर उसे अपने रेस्टोरेंट के टूटने की चिंता ना होती तो वो खुद भी ये लड़ाई देखना चाहता था। ठीक है फिर, रिया अपने स्टूल से उतर गई और अपनी जीभ निकालकर प्रेम की तरफ देखने लगी। वसीम और अमित ने एक साथ कहा और रेस्टोरेंट की तरफ बढ़ने लगे। मैं आपके बारे में जानने के लिए बहुत उतावला हूं भोला जी, क्या मैं आपके साथ बैठकर खाना खा सकता हूं? हीरामन ने भोला की तरफ मुड़कर कहा। तुम जहां चाहो वहां बैठ सकते हो, भोला ने जवाब दिया। ये दोनों भाई बहन ही हैं, क्योंकि इनके बोलने का तरीका बिल्कुल एक जैसा ही है, लेकिन फिर भी भोला जी से बात करना थोड़ा आसान है, हीरामन ने स्माइल करते हुए सोचा और सिर हिला दिया। उसे भोला की बात का जरा भी बुरा नहीं लगा था। एक एक करके कस्टमर रेस्टोरेंट के अंदर जाने लगे और जैसे ही रिया ने भोला को देखा उसकी आंखों में चमक आ गई। बड़े भैया, आप तो काफी अच्छे दिखते हो, रिया ने कहा। भोला के चेहरे पर स्माइल आ गई, तारीफ सुनकर उसे काफी अच्छा लगता था और वो रिया को बहुत ही प्यार भरा जवाब देना चाहता था। कितने दुख की बात है कि आप तो एक लड़के हो, काश आप बड़ी दीदी होते, रिया ने गहरी सांस लेकर कहा। सुंदर लड़कों के साथ दिक्कत क्या है, क्या लड़के सुंदर नहीं हो सकते, भोला ने सोचा। उसकी आंखें खुली की खुली रह गई थी। उसने कभी भी नहीं सोचा था कि लड़का होने के कारण उसे जज किया जाएगा। जब भोला भोली बनकर आया था तो रिया ने उसकी दिल खोलकर तारीफ की थी, लेकिन अभी वो उसे जज कर रही थी। ये लड़की तो कमाल की है, वंदना ने हंसते हुए कहा। सौम्या मैम, रिया ने जैसे ही सौम्या की तरफ देखा वो अगली डकलिंग को लेकर खड़ी हो गई। फिर उसकी नजर वंदना पर पड़ी
और उसने क्यूरियस होकर पूछा, मूछो वाले भैया, आप सौम्या मैम के साथ क्या कर रहे हो? मैं सौम्या मैम का अच्छा दोस्त हूँ, इसलिए मैं उनके साथ यहाँ खाना खाने के लिए आया हूँ। क्या हमें कोई डिस्काउंट मिलेगा? वंदना ने स्माइल करते हुए पूछा। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन मूछो वाले भैया, आप चाहे तो सौम्या मैम का बिल पे कर सकते हैं। लड़कों को तो यही करना चाहिए, है ना? प्रिया ने सीरियस होकर पूछा। ये कितनी चालाक लड़की है। वंदना ने आईब्रो उठाकर सोचा, लगता है आज मुझे फ्री में खाना मिलने वाला है। सौम्या ने वंदना की तरफ मुड़कर स्माइल करते हुए कहा, ये बौना लड़का मुझे पहचाना सा क्यों लग रहा है? प्रेम ने जैसे ही भोला की तरफ देखा, उसके चेहरे पर अचरज भरे एक्सप्रेशंस आ गए। जैसे ही सभी लोग एक एक करके अंदर आए, प्रेम ने सब कुछ बताने वाले दरवाजे की इन्फॉर्मेशन अपने दिमाग में देख ली और उसे भोला और भोली के बीच का कनेक्शन भी समझ आ गया कि ये दोनों अलग अलग नहीं बल्कि ये दोनों एक ही हैं। इसके अलावा उसे वंदना की सच्चाई भी पता चल गई। कुछ देर बाद सभी अपने अपने ऑर्डर दे दिए। रक्त बीज को रसमलाई ऑर्डर करने में जरा झिझक हो रही थी, लेकिन उसने मन बनाकर रसमलाई ऑर्डर कर दी। इसके बाद उसने एक बार फिर से प्रेम से डीमन आइलैंड चलने की बात की, लेकिन प्रेम के जवाब देने के पहले ही अमित और वसीम ने उसे इतना डरा दिया कि वो अपना बिल पे करके सीधा वहां से चला गया। भोला ने आखिरकार श्रुति को अपने बारे में सब कुछ बता दिया और उससे रेस्टोरेंट बंद होने के बाद बाहर मिलने को कहा। श्रुति अपना काम खत्म करने के बाद रेस्टोरेंट से बाहर गई। उसने यामिनी को चले जाने के लिए कहा और जैसे ही यामिनी चली गई, उसने भोला से सामने आने के लिए कह दिया, क्या हम कहीं और चलकर बात कर सकते हैं? मैं नहीं चाहता कि कोई भी हमारी बातें सुने, भोला ने श्रुति से कहा। श्रुति पहले तो थोड़ी हेजिटेट हुई, लेकिन बाद में भोला के पीछे पीछे चलने लगी। तुम मुझसे क्या चाहते हो? अगर तुम मुझे वापस टिम्बकटू ले जाने की कोशिश कर रहे हो तो इस बारे में भूल जाओ, मैं कभी वापस नहीं जाऊंगी। थोड़ी दूर चलने के बाद श्रुति ने भोला से पूछा, मैं तो अभी अभी ककाओ गांव आया हूं और मैं भी इतनी जल्दी वापस नहीं जाना चाहता। भोला ने स्माइल करते हुए श्रुति से कहा और आगे बोला, योगेश को तुम्हारे बारे में खबर मिली थी और उसने ये सारी खबर मेरे परिवार को बता दी। मेरे पिता ने मुझे यहाँ भेजा है और वो चाहते हैं कि तुम्हें अपने प्यार में गिरा लूं और मैं तुमसे शादी कर लूं। भले ही तुम्हें ये पता चल गया हो कि मैं कहाँ रहती हूँ, लेकिन फिर भी तुम मुझे रोक नहीं पाओगे। मैं जब चाहूं यहां से जा सकती हूँ। तुम भी योगेश की तरह सिर्फ सातवें लेवल के मैजिशियन हो, इसलिए तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, श्रुति ने सीरियस होकर कहा। आज उसका सबसे बड़ा डर उसके सामने खड़ा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि भोला उसे ढूंढता हुआ यहां तक आ जाएगा, और अब तो बलबन परिवार को भी उसके ठिकाने का पता चल गया था। भोला का परिवार श्रुति की शादी भोला से करवाना चाहता था और श्रुति का परिवार भी इसके लिए तैयार था। टिम्बकटू से भागने के बाद किसी को भी श्रुति के बारे में कोई खबर नहीं थी, लेकिन अब उसके ठिकाने का पता लगाया जा चुका था, इसलिए शायद अब श्रुति का मारिया रेस्टोरेंट में रह पाना बिल्कुल नामुमकिन नजर आने लगा था। हालांकि अभी तक श्रुति को यह नहीं पता था कि भोला उससे इस सब के बारे में बात क्यों कर रहा था, क्योंकि अगर भोला वाकई श्रुति को इंप्रेस करना चाहता था तो इस सब से कोई फायदा नहीं होने वाला था। देखो, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे तुम पसंद नहीं हो और मैं तुमसे शादी भी नहीं करना चाहता, वरना मैं तुम्हें इस बारे में क्यों बताता? इसकी जगह तो मैं हमारे लोगों के प्लान के हिसाब से काम करता और तुम्हें अपने प्यार में गिरा लेता। भोला ने स्माइल करते हुए श्रुति से आगे कहा, तुम्हें तो पता ही है कि मेरी सुंदरता को देखकर कोई भी लड़की मेरे प्यार में पागल हो जाएगी, भले ही मैं उसे इंप्रेस करने की जरा सी भी कोशिश ना करूं। तो फिर तुम आखिर क्या चाहते हो? श्रुति ने अपनी आईब्रो ऊपर करके कहा। जब श्रुति टिम्बकटू में थे तब उसने भोला की खुद की तारीफें करने वाली बातें पहले भी सुनी थी, लेकिन आज उसे इस बात पर यकीन हो गया था कि भोला वाकई खुद की तारीफ करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ता है। हालांकि उसे भोला की बातों में धीरे धीरे थोड़ा इंटरेस्ट जाग रहा था, क्योंकि वो जानना चाहती थी कि असल में भोला आखिर क्या कहना चाह रहा था। मुझे बहुत सारे काम करने हैं, लेकिन ये सब तुमसे रिलेटेड नहीं है। अगर तुम वाकई ककाओ गांव में रहना चाहती हो तो तुम्हें मेरे साथ मिलकर काम करना होगा, वरना शायद मेरे परिवार वाले तुम्हारे बारे में तुम्हारे परिवार को बता दें, भोला ने स्माइल करते हुए कहा। और मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? श्रुति ने पूछा। देखो, मेरे परिवार वाले लोग चाहते हैं कि मैं ककाओ गांव आकर तुमसे रिलेशनशिप बनाऊं, उसके बाद मैं तुमसे शादी करके हमारे परिवारों के बीच एक मजबूत रिश्ता कायम कर दूं।
अगर उन्हें ये बात पता चल गई कि हमारे बीच कभी भी कोई रिश्ता नहीं बन सकता तो शायद वो लोग इस बात का गलत फायदा भी उठा सकते हैं। हालांकि अगर उन्हें लगने लगे कि मैं तुम्हें अपनी पत्नी बना सकता हूं तो वो लोग हमें थोड़ा समय और दे सकते हैं और इससे तुम्हें यहां रहने का और भी समय मिल जाएगा, भोला ने सीरियस होकर श्रुति से कहा और फिर आगे बोला, तो तुम्हें बस इतना करना है कि तुम्हें मुझमें इंटरेस्ट दिखाना है जिससे तुम्हें ककाओ गांव में और समय मिल सके। श्रुति काफी देर तक चुप होकर भोला की तरफ देखती रही। तुम आखिर ये सब क्यों कर रहे हो? मेरी मदद करके तुम्हें क्या फायदा होगा? श्रुति ने पूछा। भोला के चेहरे की मुस्कुराहट एकदम से गायब हो गई। ये बहुत आसान है, मुझे भी आजादी चाहिए। ककाओ गांव बहुत ही मजेदार जगह है और मैं कुछ दिन और यहां रहना चाहता हूं। हालांकि ऐसा करने के लिए मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत होगी और मैं चाहता हूं कि तुम मुझसे एक वादा करो, भोला ने सीरियस होकर कहा। मैं तुमसे वादा करूं? कैसा वादा? श्रुति ने भोला की तरफ देखकर कहा। उसे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि भोला वाकई उसकी मदद करना चाहता था, खासकर तब जब उसे जबरदस्ती मंगेतर भी बना सकता था। शायद तुम्हें इस बारे में कहीं सुनने को ना मिला हो, लेकिन राजकुमारी इशिता अपनी गुफा से बाहर आ गई हैं और उन्होंने करोड़ी परिवार के संकल्प को मार दिया है, भोला ने श्रुति की बात का सीधा जवाब ना देते हुए कहा। क्या? श्रुति भोला की बात से एकदम चौंक गई। उसे मालूम था कि संकल्प बौनी जाति का एक बहुत ही बड़ा ऑफिसर था और उसका परिवार श्रुति के परिवार से भी बड़ा स्टेटस रखता था, लेकिन श्रुति एक बात नहीं समझ पा रही थी कि इतने सब के बाद भी राजकुमारी इशिता ने संकल्प को कैसे मार दिया था। एक्चुअली आज सुबह ही योगेश को टिम्बकटू से एक लेटर मिला, भोला ने लेटर से लेकर सारी बातें श्रुति को बताना शुरू कर दी। सारा इल्जाम संकल्प पर ही लग गया है और राजकुमारी इशिता को एक साल के लिए नजरबंद कर दिया गया है, लेकिन उन्होंने जो गुनाह किया था उस हिसाब से यह कोई बड़ी सजा नहीं थी। अब तो तुम समझ ही गई होगी कि इसका क्या मतलब है। बिना आजादी के कोई भी बौना बौना नहीं है, श्रुति ने कहा। वो भोला की बातें काफी ध्यान से सुन रही थी और अचानक से उसके मन से बस एक ही बात निकली। आजादी के बारे में मैं राजकुमारी इशिता की सारी बातों से सहमत हूं, लेकिन अभी भी बौनी जाति आजादी और ताकत दोनों चाहती है। अगर हमने अपना सिस्टम बदल दिया तो शायद बौनी जाति और भी कमजोर हो जाए और ऐसा हुआ तो दूसरी जातियां फिर से हमारा फायदा उठा सकती हैं। ऐसा होने पर हमारी बौनी जाति की आजादी पूरी तरह से छिन जाएगी, श्रुति अपना सिर हिलाते हुए आगे बोली। अब तो जितने भी बौने राज्य में यहां वहां घूम रहे हैं, हमें उनसे टिम्बकटू वापस लौटने के लिए कहना चाहिए। ऐसा करके ही हम अपनी बौनी जाति को और भी ताकतवर बना सकते हैं। 100 साल पहले बौनी जाति ने डीमंस और दानवों को भी टिम्बकटू से बाहर खदेड़ दिया था। ऐसी ही क्रांति बौनी जाति को गिरने से बचा सकती है, भोला ने सीरियस होकर श्रुति को देखते हुए कहा और फिर आगे पूछा, लेकिन क्या तुम्हें सच में लगता है कि यहां वहां घूमने वाले बौने वापस टिम्बकटू चले जाएंगे? वो लोग टिम्बकटू क्यों नहीं लौटेंगे? बस वहीं तो उन्हें भगवान का आशीर्वाद मिलेगा और वहीं उनसे ज्यादा पावरफुल बौने उनकी रक्षा करेंगे। जो भी लोग टिम्बकटू के बाहर घूम रहे हैं उन्हें तो हमेशा दूसरी जाति के होने के कारण खतरे का सामना करना पड़ता होगा, यहां तक कि उनके तो जिंदा रहने की भी दिक्कत उनके सामने है। फिर ऐसी जिंदगी से उन्हें क्या खुशी और क्या आजादी मिल रही होगी? श्रुति ने पूछा। मैं पहले भी कई बार टिम्बकटू छोड़कर आया हूं, लेकिन मेरी नजर में जैसा तुम दुनिया को देखती हो वो उससे बिल्कुल अलग है। जैसा तुमने अभी अभी कहा, बाहर घूमने वाले बौनों की जिंदगी को दूसरी जाति होने के कारण कोई भी खतरा नहीं है, बल्कि बहुत से बौने तो अब नई जिंदगी जीने लगे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर ककाओ गांव को ही देख लो, यहां मुखिया जी के महल और देवी मंदिर में कई बौने काम कर रहे हैं, यहां तक कि उनकी पोस्ट भी काफी अच्छी है। बस इसी कारण वो लोग शांति और आजादी की जिंदगी जी रहे हैं, भोला ने नामे सिर हिलाकर जवाब दिया। फिर वो हंसते हुए श्रुति की तरफ देखकर बोला, और तुम ही सोचो कि उन्होंने टिम्बकटू क्यों छोड़ा होगा, क्या तुम्हें इस बात की वजह नहीं पता? स्पीशीज के बीच की लड़ाई के बाद हर्षिता जी ने बौनों के लिए क्रांति लाने की कोशिश की, तभी से एक के बाद एक बहुत सारे बौने टिम्बकटू छोड़कर चले गए। उन्हें भगवान ने नहीं ठुकराया, ये उनकी अपनी चॉइस थी। उन्हें किसी की रक्षा की जरूरत नहीं है, उन्हें बस आजादी चाहिए।
बौनी जाति की रक्षा प्रकृति करती है और भगवान उन पर से अपनी नजर बस इसलिए नहीं हटा सकते क्योंकि उन्होंने टिम्बकटू छोड़ दिया। मुझे बस उस बात पर ही भरोसा होता है जो मैंने अपनी आंखों से देखी हो। टिम्बकटू में हमारे लोग सुरक्षित और शांति से रहते हैं, साथ ही साथ पिछले कुछ सालों में टिम्बकटू छोड़ने वाले बौनों की संख्या में भी कमी आई है, बल्कि अब तो बहुत से बौने वापस टिम्बकटू लौटकर भी आ रहे हैं। क्या इसका मतलब यही नहीं है कि टिम्बकटू और भी ज्यादा अच्छी जगह बन गई है? श्रुति अपने विश्वास पर टिकी हुई थी, लेकिन अब उसके बात करने का तरीका बदल गया था। कहीं ना कहीं वो शक के घेरे में घिरती चली जा रही थी। भोला उसके सामने जो बातें रख रहा था, श्रुति कहीं ना कहीं उन बातों पर सोचने लगी थी। वो टिम्बकटू छोड़कर इसलिए नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि उन्हें वहां बांध कर रखा गया है। उनके चारों तरफ एक ऐसी दीवार खींच दी गई है जो दिखाई ही नहीं देती, और इसी कारण वो लोग टिम्बकटू छोड़कर नहीं जा पा रहे हैं। जो बौने लौटकर वापस टिम्बकटू आए हैं, तुम्हें क्या लगता है वो लोग इसलिए वापस आए हैं कि उन्हें बड़े परिवारों की गुलामी करनी पड़े? तुम टिम्बकटू में एक खुशहाल जिंदगी जीती हो, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी जिंदगी के लिए कितने बौनों को गुलामी करनी पड़ रही है? उनके पास आजादी नाम की कोई भी चीज नहीं है, भोला ने श्रुति की तरफ देखकर कहा। श्रुति एक बड़े परिवार की लड़की थी, इसलिए उसे जो चीजें दिखाई गई थीं वो उन्हीं को मानती थी। अगर अभी श्रुति की जगह और कोई होता तो भोला उसे ये सब बातें बिल्कुल नहीं बताता और तुरंत यहां से निकल जाता। हालांकि उसके लिए श्रुति बहुत खास थी और उसे श्रुति के दिल में बौनों के लिए लगाव दिख रहा था, इसलिए वो श्रुति को सब कुछ साफ साफ समझाने की कोशिश कर रहा था। श्रुति के नजरिए से देखें तो हर्षिता की क्रांति ने बौनों को और भी ज्यादा ताकतवर बना दिया था। श्रुति को तो बस यही लगता था कि बड़े परिवार पहले से भी ज्यादा ताकतवर हो चुके थे और वो लोग बौनी जाति को आगे भी बढ़ा रहे थे। पहले भोला भी ऐसा ही सोचता था। एक समय तो वो हर्षिता की क्रांति की काफी तारीफें भी किया करता था, क्योंकि उसे भी लगता था कि हर्षिता जो कर रही है वह बौनी जाति के लिए बहुत जरूरी है। इसके बाद भोला ने छोटी जाति के बौनों से कॉन्टैक्ट्स बनाए और वो उन बौनों के पास भी गया जो टिम्बकटू लौटकर वापस आए थे। इसके बाद ही उसे बौनी जाति का कड़वा सच पता चला। तभी वो जान पाया कि हर्षिता की क्रांति सिर्फ एक सफेद झूठ है। बस इसी कारण भोला श्रुति में खुद को देख पा रहा था। पहले भोला को भी यही लगता था कि यहां वहां घूमने वाले सारे बौने टिम्बकटू वापस लौट आए ताकि वो एक अच्छी जिंदगी जी पाए। हालांकि अब बस वो यही चाहता था कि सभी बौने टिम्बकटू से कैसे भी करके निकल जाएं। जो टिम्बकटू उनके लिए एक समय पवित्र जगह हुआ करती थी, अब वही उनके लिए नरक बन चुकी थी। भोला चाहता था कि इन सभी लोगों को एक ऐसी दुनिया मिले जहां वो आजाद होकर खुशी से रह सकें। श्रुति ने भोला की आंखों में देखा और वो समझ गई कि भोला की एक एक बात बिल्कुल सही थी। उसने अपने परिवार में काम करने वाले नौकरों के बारे में सोचा। उन नौकरों के पास आराम करने का एक सेकंड भी नहीं होता था और वो लगातार काम करते रहते थे। वो लोग छोटी सी भी गलती कर देते थे तो उन्हें बहुत मार पड़ती थी। क्या वो लोग वाकई खुश हैं? श्रुति ने सारी चीजों के बारे में सोचा। उसने अपने घर में काम करने वाले नौकरों को भी स्माइल करते हुए कभी नहीं देखा था, इसलिए वो समझ चुकी थी कि वो लोग किसी भी तरह से खुश नहीं थे। उन लोगों को बस गुलाम बनाकर रखा गया था और उनकी आजादी छीन ली गई थी। वो लोग तो बड़े परिवारों का इलाका भी छोड़कर नहीं जा सकते थे। बौनों के नए नियमों में बड़े परिवारों को गुलाम बौने दिए जाते थे। यहां तक कि कुछ लोगों को तो बड़े परिवारों के इलाके से गुजरने पर भी उन्हें गुलाम बना दिया जाता था। श्रुति को अब यह बात समझ आ चुकी थी कि उन बौनों ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था कि उन्हें गुलामी दी जाए। अचानक से श्रुति के सारे आदर्श डगमगाने लगे। अब तो उसे शक भी होने लगा था कि क्या वाकई बौनी जाति ताकतवर बन रही थी। बौनों को ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए। प्रकृति ही हमारा घर है और बगैर आजादी के हमारी आत्मा ही मर जाएगी, भोला ने श्रुति की तरफ देखते हुए सीरियस होकर कहा। क्या तुम वाकई चाहती हो कि मैं तुम्हारी ककाओ गांव में रहने में मदद करूं? तो तुम मुझसे एक वादा करो कि अगर तुम खादिम परिवार की लीडर या बौनों की रानी बन जाती हो तो बौनों को सुरक्षा देने की जगह तुम उनकी आजादी उन्हें लौटा दोगी। श्रुति ने भोला को देखकर अपने होंठ काटे, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोली। मैं कल मारिया रेस्टोरेंट आऊंगा, मुझे उम्मीद है कि तब तक तुम अपना डिसीजन मुझे बता दोगी।
भोला ने कोई भी दबाव न डालते हुए सिर हिलाकर कहा और वहां से चला गया। असल में आजादी क्या है? श्रुति इस सवाल के साथ आसमान में फैली चांद की रोशनी में अकेली खड़ी थी। उसने अपनी परछाई देखी और गहरे ख्याल में डूब गई। उधर रेस्टोरेंट में रिया ने अभी नहाकर अपना पैजामा पहन लिया था, लेकिन अभी उसे नींद नहीं आ रही थी। पापा, क्या चलकर हम सितारे देख सकते हैं? रिया ने प्रेम की तरफ मुड़कर पूछा। हाँ ठीक है। प्रेम रिया को सुलाना चाहता था, लेकिन वो उसकी बात नहीं टाल सकता था, इसलिए उसने थोड़ी देर सितारे देखने की बात मान ली। अगली डकलिंग, चलो चलकर सितारे देखें। रिया ने खुश होकर अगली डकलिंग को उठा लिया और बालकनी की तरफ जाने लगी। प्रेम स्माइल करता हुआ रिया के पीछे पीछे चला गया। आज का चांद कितना गोल और सुंदर है, ऐसा लग रहा है जैसे इसे खाने में बहुत मजा आएगा, रिया ने चांद की तरफ देखते हुए खुश होते हुए कहा। प्रेम ने आसमान की तरफ देखा और पाया कि आज पूरा चांद निकला हुआ था। रिया की बात सुनने के बाद उसे याद आया कि अपनी पिछली लाइफ में मेले के दौरान वो चांद के जैसे दिखने वाले केक खाया करता था, लेकिन अब वो दिन जा चुके थे। पापा, क्या हम चांद को खा सकते हैं? रिया ने क्यूरियस होकर सवाल किया। वफादारों की बिल्डिंग के लोग ककाओ गांव में वापस लौट आए थे। जैसे ही विश्वजीत को हेमू के बारे में पता चला, वो पूरी तरह से हिल गया। अमन ने रतन, विश्वजीत, एकलव्य और वफादारों की बिल्डिंग के बाकी बड़े लोगों के सामने सारी बातें बता दी। उसने ये भी बात बता दिया कि अगले 10 दिन के अंदर अंदर विश्वजीत को अमित के पास जाकर सारी बातें साफ करने के लिए ककाओ गांव जाना होगा। रतन ने विश्वजीत को इस बारे में सोचने के लिए कह दिया। तभी वहां टिम्बकटू से एक लेटर आया जिसमें संकल्प को मरने और राजकुमारी इशिता को सारी बातें पता चल जाने की बातें लिखी थी। वफादारों की बिल्डिंग के सभी लोग यह सुनकर सदमे में आ गए, क्योंकि अगर किसी को भी 3 साल पुरानी घटना की सच्चाई पता चल गई तो वफादारों की बिल्डिंग की इज्जत मिट्टी में मिल सकती थी। दूसरी तरफ कुंवर नारायण तक भी इस बात की खबर पहुंच गई थी। गुस्से में लाल होकर उसने हर्षिता के नाम एक लेटर लिख दिया। दरअसल कुंवर नारायण की सारी चालें एक एक करके बर्बाद हो रही थी। उसने जो जासूस ककाओ गांव में भेजा था वो भी महेंद्र प्रताप को नहीं ढूंढ पाया था, जिस कारण कुंवर नारायण बिल्कुल बौखला उठा था। उधर टिम्बकटू में हेतल और हर्षिता किसी अलग साजिश की तैयारी में लग चुकी थी। उन्हें अपने नियमों पर चलने की आदत हो गई थी और वो अपने आदर्शों को सबसे ऊपर रखती थीं। राजकुमारी साहिबा, आपको फिर से नजर बंद कर दिया गया है और इस बार तो आपको पूरे 1 साल ऐसे ही रहना पड़ेगा। अब हमें क्या करना चाहिए? ट्री ऑफ लाइफ के नीचे अनीता ने इशिता की तरफ देखकर चिंता जताते हुए कहा। खबरी लाल इन दोनों के बगल में खड़ा था और वो भी थोड़ी चिंता में डूबा हुआ था। उसने कभी नहीं सोचा था कि राजकुमारी इशिता संकल्प को यूं ही मार देंगे। हालांकि इशिता ने जो भी किया था उसमें बाकी लोगों की फीलिंग्स भी शामिल थे। नजर बंद हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें चिंता करने की क्या बात है? जब मैंने टिम्बकटू छोड़ा था तब भी तो मैं नजर बंद ही थी। अगर मुझे कहीं जाना है तो मुझे कोई रोक थोड़ी सकता है, इशिता ने अनीता की नाक पकड़ते हुए कहा और फिर आगे बोली। मेरी चिंता मत करो अनीता, वैसे भी तुम्हारा दिमाग ढीला है, मेरे बारे में इतना सोचोगी तो ये और ढीला हो जाएगा। इशिता की बात सुनकर अनीता का मुंह खुला का खुला रह गया, लेकिन उसके पास इशिता की बात का कोई भी जवाब नहीं था। उसने पिछली बार इशिता को टिम्बकटू से भागने में उसकी मदद की थी। भले ही उसने इस काम में ज्यादा हाथ नहीं बटाया था, लेकिन उसे ये बात भी पता थी कि जब तक इशिता के साथ ट्री ऑफ लाइफ है तब तक कोई भी इशिता को टिम्बकटू से जाने से नहीं रोक सकता। खबरीलाल, मैं चाहती हूं कि तुम मेरे कुछ काम करो, इशिता ने खबरीलाल की तरफ मुड़कर कहा। राजकुमारी साहिबा, मुझे आपके काम करने में खुशी होगी, खबरीलाल ने सिर हिलाकर जवाब दिया। मैं चाहती हूं कि तुम महेंद्र प्रताप और मेरी बेटी को ढूंढो। जितना मैं महेंद्र प्रताप को जानती हूं उस हिसाब से तो इतना बड़ा धोखा खाने के बाद ना वो करूर में होगा और ना ही कालचुरी राज्य के किसी इलाके में।
वो शायद डीमन आइलैंड, राक्षसों के आइलैंड या कगाओ गांव में हो सकता है। हम पहले भी इन तीनों जगहों पर जा चुके हैं, इसलिए हम इस जगह को काफी अच्छे से जानते हैं। मैं तुम्हें कुछ जगहों के नाम लिखकर देती हूँ, तुम उन जगहों पर ढूंढना, शायद तुम्हें कुछ मिल जाए। मैं तुम्हें कुछ लेटर्स भी लिखकर दूंगी, हमारे कुछ दोस्त तुम्हारी कुछ ना कुछ मदद जरूर करेंगे। हालांकि कुंवर नारायण के बारे में जब से मुझे पता चला है तब से मैं किसी पर भी विश्वास नहीं कर सकती, इसलिए किसी को भी महेंद्र प्रताप के बारे में कुछ भी मत बताना, इशिता ने कहा। जी, मैं ये बात अपने तक ही रखूंगा, खबरी लाल ने सीरियस होकर सिर हिलाते हुए कहा। करूर में अब तक संकल्प की मौत की खबर फैल गई होगी, इसका मतलब है कि अब तक तुम उनकी ब्लैकलिस्ट में शामिल हो चुके होगे। जब तक सब शांत नहीं हो जाता तब तक तुम्हें कालचुरी राज्य में नहीं जाना चाहिए। साथ ही साथ अपनी आंखें खुली रखना, क्योंकि हमारी बौनी जाति के कुछ लोग भी तुम्हें ढूंढने की कोशिश करेंगे, इशिता ने सिर हिलाकर कहा। आप इसकी चिंता मत कीजिए, मैं छुप कर रहने में माहिर हूं, खबरी लाल ने विश्वास भरी आवाज में कहा। थोड़ी देर हेजिटेट होने के बाद उसने पूछा, राजकुमारी साहिबा, क्या आपने महेंद्र जी और अपनी बेटी का बदला लेने के लिए संकल्प को मारा, या आप बौनों के नियम से गुलामी हटाना चाहती थीं? राजकुमारी साहिबा, वंश वृक्ष का नियम बौनी जाति के जड़ों में शामिल हो चुका है। अगर आप वाकई इसे हटाना चाहती हैं तो बहुत से बड़े परिवार आपके दुश्मन बन सकते हैं, अनीता ने चिंता जताते हुए इशिता की तरफ देखकर कहा। हाँ, सच कहा, मैं वंश वृक्ष का नियम हटाना चाहती हूं ताकि हमारे बौने भाई और बहन आजादी का असली मतलब जान सकें, इशिता ने सिर हिलाकर कहा और फिर आगे बोली, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो हमारी जड़ों में शामिल हो गया है, मैं सारी चीजों को जड़ से उखाड़ कर फेंक दूंगी। आजादी ही हम बौनों की आत्मा है और हर्षिता उस आत्मा को मसल रही है। सारे बड़े परिवार भी मेरे खिलाफ हो जाएं तो भी मुझे किसी बात का डर नहीं है, क्योंकि बाकी बौने मेरी तरफ ही होंगे। मुझे अब सिर्फ समय की जरूरत है और शायद एक साल तक नजर बंद रहना मेरे लिए काफी होगा। इशिता की बात सुनकर अनीता और खबरी लाल की आंखों में चमक आ गई। ठीक है, अब तुम दोनों जा सकते हो, मैं कल तक तुम्हें लेटर दे दूंगी, इशिता ने थकी हुई आवाज में कहा। इसके बाद इशिता पेड़ के नीचे बैठ गई और ऊपर की तरफ देखने लगी। तभी ट्री ऑफ लाइफ की डालियां एक तरफ से हट गईं और गुफा के अंदर चांद की रोशनी आने लगी। महेंद्र, मेरी बेटी, तुम दोनों कहां हो? मैं तुम लोगों को दोबारा कब देख पाऊंगी, इशिता ने बड़बड़ाया। रिया, क्या तुम सच में चांद खाना चाहती हो, प्रेम ने स्माइल करके पूछा। हाँ पापा, मैं चांद खाना चाहती हूँ, चांद कितना गोल और सफेद है, ये बहुत ही डिलीशियस दिख रहा है, रिया ने चांद की तरफ देखकर कहा। यह देखकर प्रेम के चेहरे की स्माइल और खिल गई, क्योंकि उसकी बेटी हर चीज को देखकर उसे खाने का मन बना लेती थी। हालांकि जब प्रेम छोटा था तो उसके मन में भी ऐसे ही ख्याल आते थे, इसलिए वो भी मेला लगने का इंतजार करता था ताकि वो चांद के जैसे दिखने वाले केक खा सके। उस दौरान प्रेम इतना नादान हुआ करता था कि उसे सच में लगता था कि चांद जैसे दिखने वाले केक वाकई आसमान से तोड़कर लाए गए हैं और इसलिए ही वो इतने डिलीशियस लगते हैं। बस इसी कारण प्रेम को ये केक बहुत ज्यादा पसंद थे। चांद को आसमान से तोड़ना इतना आसान भी नहीं है, लेकिन अगर तुम वाकई ऐसा कुछ खाना चाहती हो तो मैं तुम्हारे लिए चांद के जैसे दिखने वाले केक बना सकता हूं, प्रेम ने स्माइल करते हुए रिया की तरफ देखकर कहा। चांद के जैसे दिखने वाले केक, ये तो सुनने में ही डिलीशियस लग रहा है, मैं चांद के जैसे दिखने वाले केक खाना चाहती हूँ, मुझे ये कब खाने के लिए मिलेंगे, रिया ने खुश होकर ताली बजाते हुए कहा। रिया के इस तरह ताली बजाने के कारण अगली डकलिंग का पूरा शरीर हिलने लगा, फिर भी वो प्रेम की तरफ काफी उम्मीद के साथ देख रही थी। मुझे इस काम में 3 दिन तो लग ही सकते हैं, अभी चांद पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ है इसलिए इसे तोड़ा नहीं जा सकता, जब यह पूरा गोल हो जाएगा तभी इसे तोड़कर प्लेट पे रखा जा सकता है, एक साथ मिलकर खाने से ये और भी ज्यादा डिलीशियस लगेंगे, प्रेम ने सिर हिलाकर जवाब दिया। अच्छा, ऐसी बात है, फिर तो ये वाकई बहुत डिलीशियस होंगे, रिया ने कुछ सोचते हुए जवाब दिया। फिर उसने क्यूरियस होकर पूछा, पापा चांद के जैसे दिखने वाले केक कैसे बनते हैं, ये बात आपको कैसे पता? बेटा, पहले जहां मेरा घर था ना, वहां एक मेला लगता था, उस मेले में सभी परिवार और रिश्तेदार इकट्ठा हुआ करते थे और चांद के जैसे दिखने वाले केक खाते थे, ये मेला सभी लोगों को एक साथ मिलाता था,
प्रेम ने स्माइल करते हुए रिया की बात का जवाब दिया। भले ही प्रेम अब इस दुनिया को पूरी तरह से अपना चुका था, लेकिन फिर भी अपनी पिछली जिंदगी के मेले के दौरान वह जिस तरह अपने मां बाप के साथ घूमता था उसे वह बहुत याद आते थे। उसे अभी भी याद था कि बचपन में मेले के दौरान वो किस तरह एक पेड़ के नीचे अपनी मां की गोदी में बैठकर चांद के जैसे दिखने वाले केक खाता था। यह सब सोचकर प्रेम एक गहरी यादों के समंदर में डूब गया। पापा, क्या मम्मी भी हमसे मिलने आएंगी? रिया ने उम्मीद भरी आवाज में प्रेम से पूछा। प्रेम ने जैसे तैसे समझा बुझाकर रिया को चुप कराया और थोड़ी ही देर बाद रिया सो गई। फिर प्रेम ने उसे बिस्तर पर लाकर लिटा दिया। कुछ देर बाद प्रेम ने अपने दिमाग में सोडा बनाने का एक्सपीरियंस बैग खोल लिया। अगले ही पल सिस्टम ने प्रेम को सोडा की मशीन की खासियत बताना शुरू कर दिया। टेस्ट फील्ड में जाने के पहले प्रेम ने हरे भरे कबाब का एक्सपीरियंस बैग भी खोला। हरे भरे कबाब की रेसिपी काफी कठिन थी, इसलिए प्रेम ने पहले सोडा बनाने का सोचा। अभी अभी उसे नई स्ट्रेंथ मिली थी, इसलिए प्रेम उसे भी आजमाना चाहता था और अपनी तलवारबाजी को और निखारना चाहता था। सोडा बनाने के लिए प्रेम टेस्ट फील्ड में आ गया। इस बार किचन में कई नई मशीन रखी हुई थी और सिस्टम ने प्रेम को सारे इंग्रेडिएंट्स के बारे में अच्छे से समझा भी दिया था। कई बार इंग्रेडिएंट्स की सही नाप तौल करने के बाद आखिरकार प्रेम ने एक अच्छा सोडा बना ही लिया। फिर इसके बाद वो तलवारबाजी की प्रैक्टिस करने लगा। उधर सरस और उसके साथ ही महेंद्र प्रताप को ढूंढते ढूंढते ककाओ गांव तक पहुंच चुके थे। उनमें से कुछ लोगों को मारिया रेस्टोरेंट के ओनर यानी प्रेम पर शक हुआ था, लेकिन सरस ने इस बात को सिरे से नकार दिया था। उसे नहीं लगता था कि इतना महान योद्धा एक शेफ बन सकता था। उसने अपने कुछ साथियों को ककाओ गांव में और अच्छे से ढूंढने के लिए छोड़ दिया और खुद डीमन आइलैंड चला गया। सुबह उठकर प्रेम ने सिस्टम से चांद के जैसे दिखने वाले केक की रेसिपी के बारे में पूछा। सिस्टम ने प्रेम की बात को नकार दिया। फिर प्रेम अपनी सोडा की मशीन देखने के लिए गया। यह मशीन थोड़ी बड़ी होने के कारण प्रेम ने इसे ऊपर के फ्लोर पर ही रखवाया था। सोडा बनाने के बाद इसे ठीक से सेटल होने में करीब 24 घंटे का समय लगता था, इसलिए प्रेम ने सारे इंग्रेडिएंट्स मिलाकर सोडा को तैयार होने के लिए रख दिया। रिया को ब्रेकफास्ट करने के बाद प्रेम उसे स्कूल छोड़ाया। जब वो वापस आया तो श्रुति और यामिनी रेस्टोरेंट के सामने ही खड़ी थीं। अंदर आने के बाद प्रेम का बहुत मन हुआ कि वो श्रुति से भोला के बारे में बात करे, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। ब्रेकफास्ट आर खत्म होने के बाद श्रुति ने प्रेम से आजादी के असली मायनों के बारे में पूछा। बाद में उसने सुरक्षित जीवन और आजादी में से किसी एक को चुनने के लिए पूछा तो प्रेम ने इन दोनों बातों को अलग अलग जगह सही बताते हुए श्रुति की बात का जवाब दिया। फिर प्रेम यामिनी को आइसक्रीम बनाना सिखाने लगा। कई बार कोशिश करने के बाद भी यामिनी ठीक से आइसक्रीम बनाने में सफल नहीं हो पाई थी, तो प्रेम ने अभी के लिए उसे रोक दिया। रेस्टोरेंट से थोड़ी दूर करीब 6 साल के आसपास की एक बौनी लड़की जिसका नाम आरती अपने दादा जगन के साथ खड़ी हुई थी। उसने जैसे ही एक लड़की को आइसक्रीम खाते हुए देखा तो उसने भी अपने दादा से इसे खाने की इच्छा जताई। जगन पिछले कई सालों पहले टिम्बकटू छोड़कर आ गया था और पूरी दुनिया में यहां वहां भटक कर रहने लगा था। कुछ सालों पहले वो ककाओ गांव आया था। आरती के जिद करने के बाद आरती और जगन मारिया रेस्टोरेंट को ढूंढते हुए उसके अंदर आ गए और एक टेबल पर जाकर बैठ गए। आरती की नजरें भोला पर पड़ी। उसने इसके पहले कभी भी इतना सुंदर बौना लड़का नहीं देखा था। वहीं दूसरी तरफ श्रुति आरती और जगन को देखकर थोड़ी सरप्राइज हुई। उसे लगने लगा कि कहीं ना कहीं ये दोनों बौने टिम्बकटू से बाहर आ चुके बौनों में शामिल थे। थोड़ी देर बाद भोला ने आरती से बात करनी शुरू कर दी। जगन ने आरती के लिए यामिनी की सलाह पर ब्लूबेरी आइसक्रीम मंगाई। फिर भोला ने अपने शाही कबाब आरती को ऑफर किए। थोड़ी देर बाद आरती ने जगन को भी कुछ शाही कबाब खाने के लिए मना लिया। दोनों शाही कबाब के फ्लेवर में बिल्कुल खो गए। क्या आप लोग यहां वहां घूमने वाले बौनों में से हैं?
भोला ने जगन से पूछा। हां सच कहा, हम लोग अब तक बहुत ही जगह घूम चुके हैं, जगन ने सिर हिलाकर जवाब दिया। श्रुति भी चुपके से इन लोगों की बातें सुनने लगी। फिर भोला ने बात आगे बढ़ाते हुए जगन से कुछ अच्छी जगहों के बारे में पूछना शुरू कर दिया। अब इन लोगों की बातें रेस्टोरेंट में बैठे बाकी कस्टमर्स भी ध्यान से सुन रहे थे। फिर आप लोग दोबारा लौटकर टिम्बकटू क्यों नहीं गए? वहां आप ज्यादा सुरक्षित रहते और आपको सफर के दौरान होने वाली परेशानियां भी नहीं झेलनी पड़ती। जब आरती अपनी आइसक्रीम खाने लगी तो श्रुति ने थोड़ी हिम्मत जुटाकर जगन से पूछा। अनजान चीजों के बारे में जानना ज्यादा मजेदार होता है ना? जगन ने बस इतना ही जवाब दिया और आरती के साथ आइसक्रीम लेकर बाहर चला गया। थोड़ी देर सोचने के बाद श्रुति को कल रात की भोला की बात याद आई। अब उसे असली आजादी के कुछ मायने साफ होने लगे थे। ककाओ गांव से करीब 5 किलोमीटर दूर कुछ डीमंस और दानव साथ बैठकर खाना खा रहे थे। ओमार इन सभी में सबसे ज्यादा ताकतवर था। वो 8वें लेवल का एक योद्धा था। उसने अपने साथी तैमूर और आदिल को आदेश दिया कि वो दोनों आरती और जगन को पकड़ने के लिए ककाओ गांव के अंदर जाएं। दादाजी ये आइसक्रीम तो बहुत अच्छी है, क्या हम यहाँ कुछ दिन और रुक सकते हैं? मुझे और भी आइसक्रीम खानी है, आरती ने गली में चलते हुए जगन से कहा। क्या तुम्हें ये आइसक्रीम इतनी ज्यादा पसंद आई? जगन ने स्माइल करते हुए आरती की तरफ देखकर कहा। आज पहली बार उसने आरती को इतने चाव से कोई भी चीज खाते हुए देखा था। हाँ दादाजी ये आइसक्रीम बहुत अच्छी है, मैंने आज तक ऐसी कोई भी चीज नहीं खाई, आरती ने सिर हिलाकर जवाब दिया। ब्लूबेरी आइसक्रीम का खट्टा मीठा फ्लेवर आरती की आंखों से खुशी के तौर पर झलक रहा था, जबकि उसे तो यह भी नहीं पता था कि इतनी लाजवाब चीज कैसे बनाई गई थी। ठीक है तो हम यहां से फिर कल चलेंगे, हम एक जगह पर ज्यादा दिन तक नहीं रुक सकते है ना, और किसे पता शायद आगे और भी जगहों पर इससे भी अच्छा फूड हमारा इंतजार कर रहा हो, जगन ने स्माइल करते हुए सिर हिलाकर कहा। भले ही एक आइसक्रीम के लिए 200 कॉपर के सिक्के बहुत महंगे थे, लेकिन वो इतना तो अफोर्ड कर सकता था। जगन 6वें लेवल का एक मैजिशियन था और वो सफर के दौरान मैजिक पोशन बनाकर अपना खर्च चलाता था। किसी भी बौने के लिए यहां वहां घूमकर पैसे कमाना बहुत ही कठिन काम होता था। ऐसे में ज्यादातर बौने जंगली फल खाकर ही अपनी जिंदगी चलाते थे। आखिर उस रेस्टोरेंट में और कितने राज छुपे हुए हैं? वो लोग अपनी डिश में लाइफ एनर्जी वाला पानी कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? वहां की एक वेट्रेस तो मुझे किसी बड़े परिवार की लड़की लगती है, फिर वो वहां काम क्यों कर रही है? वो लड़का जिसने हमें आइसक्रीम ऑफर की थी, वो दिल का अच्छा बोना लगता है, और मैंने उसकी नजरों में राजकुमारी इशिता जैसी सच्चाई देखी थी। जगन के दिमाग में एक साथ बहुत सारे ख्याल चलने लगे। उसने इन ख्यालों से दूर होने के लिए अपना सिर झटका। किसी भी सफर के दौरान एक से बढ़कर एक दिलचस्प लोग और चीजों का मिलना बहुत ही आम बात होती है, लेकिन जगन जैसे यात्रियों के लिए ये बात थोड़ी अलग थी, क्योंकि वो शायद ही अपने पूरे सफर में किसी भी व्यक्ति से दोबारा मिला हो, इसलिए वो किसी के बारे में भी जानने के लिए ज्यादा इच्छुक नहीं रहता था। लंच सर्विस खत्म होने के बाद श्रुति ने रेस्टोरेंट को साफ किया और टहलने के लिए बाहर निकल गई। प्रेम ने इस बारे में श्रुति से कुछ भी नहीं कहा। वो श्रुति के दिलो दिमाग में चल रही हलचल समझ सकता था, लेकिन उसे नहीं पता था कि आखिर श्रुति को कैसे दिलासा दी जा सकती थी। पापा आज स्कूल में मेरी बहुत से लोगों ने तारीफ की, अब सभी लोग मुझे जानने लगे हैं, प्रिया ने खुश होकर प्रेम की तरफ देखते हुए कहा। अब तुम ककाओ स्कूल की हीरो बन गई हो, इसलिए तुम्हें सब लोग जानने लगे हैं, प्रेम ने हंसते हुए कहा। प्रिया ने वाकई ककाओ स्कूल में एक अच्छा नाम कमा लिया था। हाँ मुझे बुरे लोगों को हराना बहुत पसंद है, बुरे लोगों को हराने से अच्छे लोगों को खुशी मिलती है, रिया ने स्माइल करते हुए खुश होकर कहा। हाँ बेटा बुरे लोगों को हराना बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन तुम्हें हमेशा उतना ही खाना खाना चाहिए जितना तुम एक बार में चबा सको। यानी कि यदि कोई बहुत ज्यादा ताकतवर है तो उस समय हमें बस अपना बचाव करना चाहिए, और उन्हें मुकाबले के लिए भी तभी ललकारना चाहिए जब हम उनके बराबर ताकतवर हो जाएं, प्रेम ने स्माइल करते हुए कहा। ठीक है पापा मैं ये बात याद रखूंगी, प्रिया ने सिर हिलाकर कहा।
शाबाश मेरी प्यारी बेटी, प्रेम ने रिया के सिर पर हाथ फेरकर स्माइल करते हुए कहा। प्रेम भले ही अभी रिया का चेहरा देख रहा था, लेकिन उसके दिमाग में अभी कुछ देर पहले आई लड़की का चेहरा ही छाया हुआ था। अलग अलग जातियों में भेदभाव पूरे राज्य की समस्या बन चुकी थी। भले ही ककाओ स्कूल और ककाओ गांव इन चीजों को बदलने की बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन चैंबर ऑफ कॉमर्स जैसे इंस्टीट्यूशन भेदभाव को और भी ज्यादा बढ़ाते जा रहे थे। प्रेम को तो यह भी नहीं पता था कि वो अपने जीते जी इन सब चीजों को खत्म होता हुआ देख पाएगा या नहीं। लगता है मुझे अपना स्टीम इंजन वाला काम और तेजी से करना होगा। इस पूरी दुनिया को बदलना आसान काम नहीं है, इसलिए मुझे पहले चैंबर ऑफ कॉमर्स को बदलने से शुरू करना होगा। अगर मैं वहां के प्रेसिडेंट को अपने स्टाफ में मौजूद हाफ ब्लड के साथ होने वाले भेदभाव को लेकर भी नहीं बदल पाया, तो शायद मुझे उसे ही बदलना पड़े। या तो किसी व्यक्ति को अपने हिसाब से बदल दो, या फिर उस व्यक्ति को ही बदल दो और अपने नियम बना दो। बस मेरे पास एक यही तरीका बचा है। प्रेम को अपनी पिछली लाइफ में उसके पापा की बताई हुई बातें याद आ गईं। अब मुझे मुकेश परिवार और चैंबर ऑफ कॉमर्स के बारे में और भी ज्यादा जानकारी जुटाने की जरूरत है, प्रेम ने मन ही मन सोचा। प्रेम को पता था कि वो इतना बड़ा किला अपने अकेले के दम पर नहीं हिला सकता था, इसलिए उसे किसी एक अच्छे साथी की जरूरत थी। शाम होते ही प्रेम ने सीढ़ियों के ऊपर जाकर सोडा बनाने की मशीन को देखा और पाया कि मशीन काफी अच्छे से काम कर रही है। अगर सब ठीक रहा तो अगली सुबह तक सोडा बनकर तैयार हो जाएगा। इस दुनिया में लोग ड्रिंक्स के तौर पर सिर्फ शराब पीना ही जानते थे, इसलिए प्रेम उन्हें एक अलग तरह का एक्सपीरियंस देना चाहता था। सोडा शराब से ज्यादा रिफ्रेशिंग ड्रिंक थे, इसलिए प्रेम को ऐसा लग रहा था कि उसकी ये चीज भी काफी अच्छे से काम कर जाएगी। हालांकि प्रेम इस दुनिया में बिकने वाली शराब के बारे में भी जानना चाहता था, क्योंकि ये दुनिया जादुई दुनिया थी और कुछ जातियां काफी लंबी उम्र तक जीती थीं। उसे लगता था कि इस दुनिया में काफी पुरानी शराब मिलने की संभावना थी। क्या इन लोगों को सोडा का टेस्ट पसंद आएगा, प्रेम ने अपने मन ही मन सोचा। सोडा के टेस्ट को लेकर उसे जरा भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी पिछली लाइफ में एक पॉपुलर ड्रिंक इस दुनिया में काम करेगी या नहीं। जैसे ही रात की छटा बिखरने लगी, वैसे ही मारिया रेस्टोरेंट रोशनी में सराबोर हो गया और कस्टमर्स भीड़ लगाकर रेस्टोरेंट के अंदर आने लगे। बाहर काफी भीड़ लगी थी। प्रेम के रेस्टोरेंट का आउटडोर डाइनिंग एरिया भी पूरी तरह से भर गया था। जिन भी कस्टमर्स को प्रेम के रेस्टोरेंट में डिश खाने से अजीब सा असर होता था, वो सभी बाहर बैठकर ही खाना पसंद करते थे। आउटडोर डाइनिंग एरिया की सभी टेबल और कुर्सियां लोहे की बनी हुई थीं, इसलिए उन्हें इनके टूट जाने का कोई भी डर नहीं था। रात के वक्त बाहर बैठकर खाना खाना कितना रोमांटिक हो जाता है, भोला ने रेस्टोरेंट की तरफ आते हुए कहा। और जैसे ही उसने आउटडोर डाइनिंग एरिया में लालटेन जलती हुई देखी तो उसकी आंखों में चमक आ गई। श्रुति ने टेबल साफ की और भोला की तरफ देखा, लेकिन वो बिना कुछ बोले ही रेस्टोरेंट के अंदर चली गई। भोला ने भी कुछ नहीं कहा। उसे पूरा विश्वास था कि श्रुति का नजरिया बहुत जल्द ही बदलने वाला था, खासकर जब से श्रुति ने जगन और आरती से बात की थी। उसके बाद से भोला को विश्वास हो गया था कि श्रुति जल्दी ही बदलने वाली है। मैं सबसे पहले शाही कबाब, उसके बाद बहुत मीठी रस मलाई और फिर मोका आइसक्रीम लेना चाहूंगा, भोला ने यामिनी से कहा। ठीक है, आप थोड़ी देर इंतजार कीजिए, यामिनी ने स्माइल करते हुए जवाब दिया और रेस्टोरेंट के अंदर चली गई। ठीक तभी चौराहे के ऊपर एक आग का गोला उड़ता हुआ दिखाई दिया और वो बहुत जोर से जमीन से टकराया। आखिर क्या हो रहा है, बहुत से लोग उस तरफ देखते हुए बातें करने लगे। उन्हें यह जानकर बहुत हैरानी हुई कि आखिर किसकी इतनी हिम्मत हो गई कि वो चौराहे पर इतना भयानक धमाका कर सके। मैंने तो सुना था कि ककाओ गांव के बहुत ही सख्त नियम है, फिर इन नियमों के बाद भी चौराहे पर कोई लड़ाई करने की हिम्मत कैसे कर सकता है, भोला ने कंफ्यूज होकर सोचा। और ठीक तभी उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं और वो अपने पैरों पर खड़ा हो गया। ककाओ गांव का चौराहा एक बहुत ही बड़ा इलाका था। इस इलाके में बहुत से पेड़ 100 सालों से भी ज्यादा पुराने थे। अभी अभी ककाओ गांव के इस चौराहे पर जोरदार धमाका हुआ था, जिससे काफी भयानक मैजिक वेव्स भी निकल रही थे।
तभी खून से लथपथ एक बूढ़ा आदमी एक बच्ची को गोदी में लेकर दौड़ता हुआ दिखाई दिया। ये आदमी इसी तरह जंगल से दौड़ता हुआ आ रहा था। अब उसके पैर लड़खड़ाने लगे थे, लेकिन उसका रुकने का कोई भी इरादा नहीं था। इस बूढ़े आदमी के पीछे छह हाथों वाला एक स्नेक डीमन दौड़ता हुआ आ रहा था। वो अपने सारे हाथों में अलग अलग तरीके के हथियार पकड़े था और काफी तेजी से इस बूढ़े आदमी की तरफ बढ़ रहा था। इस स्नेक डीमन के पीछे चार से पांच डीमंस और दानव सेमी सर्कल में दौड़ते हुए आ रहे थे। इन सभी की रफ्तार काफी तेज थी और उनके चेहरों पर दुष्टों जैसी हंसी झलक रही थी। अरे, ये तो जगन और आरती हैं। जैसे ही भोला ने आगे की तरफ भागते हुए बौनों को देखा, उसकी आंखें सदमे से खुली की खुली रह गईं। तभी उसकी नजर जगन के सीने में दिख रहे छेद पर पड़ी और भोला घबरा गया। जगन के सीने में इतना गहरा घाव था कि उसकी जान भी जा सकती थी। भोला को समझ ही नहीं आ रहा था कि इन दो बौनों के पीछे इतने सारे डीमंस और दानव क्यों पड़े हुए थे। इतने में ही भोला के हाथ में एक गहरी छड़ी दिखने लगी और उसमें से हरी रोशनी निकलने लगी। कितनी ताकतवर मैजिक वेव्स हैं। जैसे ही श्रुति की नजर भोला पर पड़ी, वो काफी सरप्राइज हो गई। फिर उसने जगन और आरती की तरफ देखा, जिससे उसके एक्सप्रेशंस तुरंत ही बदल गए। उसने अपने हाथ में पकड़ी हुई प्लेट तुरंत ही रख दी और रेस्टोरेंट की बाहर की तरफ दौड़ लगा दी। बड़े भैया, हमें बचाओ, आरती ने डर भरी आवाज में कहा, लेकिन फिर भी भोला को देखकर उसकी आंखों में उम्मीद की रोशनी चमकने लगी। जगन ने भी भोला को उम्मीद भरी नजरों से देखा। फिर उसने जोर से पैर पटक कर अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली और मारिया रेस्टोरेंट की तरफ दौड़ने लगा। वो जिस भी रास्ते से दौड़ रहा था, वहां खून के छींटे और निशान छोड़ते हुए जा रहा था। लकड़ी की जंगली दीवार, सामने आओ, भोला ने जगन के पीछे अपनी छड़ी दिखाते हुए कहा, और एक हरी रोशनी हवा में उड़ते हुए दिखने लगी। ठीक तभी एक लंबी चौड़ी दीवार जगन के पीछे प्रकट हो गई। जगन के पीछे भाग रहे डीमंस और दानवों ने जो भी मंत्र और चीजें फेंके थे, वो सभी इस लकड़ी की दीवार से टकरा गए और जोरदार आवाज आई। लेकिन जैसे ही छह हाथ वाले स्नेक डीमन का मंत्र इस दीवार से टकराया, हरी रोशनी का एक बड़ा सा धमाका हुआ और दीवार के टुकड़े टुकड़े हो गए। तुम कौन हो और तुम मेरे बौने साथी का पीछा क्यों कर रहे हो? तब तक भोला जगन और आरती के बगल में आकर खड़ा हो गया था। उसने सहारे के लिए जगन पर अपना हाथ रख दिया और सभी डीमंस और दानवों की तरफ गुस्से भरी नजरों से देखने लगा। रेस्टोरेंट के सभी कस्टमर्स काफी क्यूरियस होकर यह सब नजारा देख रहे थे। उनमें से कुछ लोगों ने जगन और आरती को पहचान लिया था और तुरंत ही उनके दिलों में जगन और आरती के लिए सिंपथी जाग उठी थी। साथ ही साथ वो लोग सोच में पड़ गए थे कि इतने मासूम लोगों के पीछे ये भयानक डीमंस क्या कर रहे थे। अब ये कौन आ गया? भले ही ये एक आदमी है, लेकिन ये औरतों से भी ज्यादा सुंदर दिख रहा है। अगर हम इसे पकड़ लें तो हमें इसकी अच्छी खासी कीमत मिल सकती है, लेकिन ये काफी ताकतवर भी है, इसलिए इसे पकड़ना इतना आसान नहीं होगा। साथ ही साथ फिलहाल हम ककाओ गांव में ज्यादा परेशानी खड़ी नहीं कर सकते, लेकिन अभी के लिए कम से कम इस बूढ़े आदमी को तो मारना ही होगा, वरना हमारा पर्दाफाश हो जाएगा। आदिल ने रास्ते में रुककर अपने मन ही मन सोचा और भोला की तरफ घूरने लगा। फिर वो जगन की तरफ गुस्से में मुड़ा और बोला, इस बूढ़े आदमी ने मेरे पास से चोरी की है और उसने मेरे दो भाइयों को भी मारा है। मैं इसको पकड़ना चाहता हूं ताकि मैं अपने भाइयों का बदला ले सकूं। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझे इस घटिया सी कहानी से बेवकूफ बना सकते हो? आदिल की बात सुनकर भोला के एक्सप्रेशंस और भी ज्यादा गुस्से भरे हो गए। फिर उसने श्रुति की तरफ मुड़कर कहा, उसे बचाओ। शुरुआत में श्रुति को जरा भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए, लेकिन भोला की बात सुनने के बाद वो समझ गई। वो तुरंत चलकर जगन के पास गई और उसे जमीन पर लेटा दिया। तभी श्रुति की उंगलियों से हरी रोशनी निकलने लगी, जो जगन के घाव की तरफ बढ़ गई और उसका घाव भरने लगी। जगन की हालत बहुत ज्यादा नाजुक थी और अब वो अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे दिया बुझने के पहले आखिरी बार फड़क रहा हो। शायद श्रुति की सारी कोशिशें भी अब जगन को नहीं बचा सकती थी। दादाजी, दादाजी, आपको अपनी आंखें खोलकर रखनी होगी, मुझे डर लग रहा है दादाजी, मैं आपके बिना नहीं जी सकती। आरती अपने घुटनों पर बैठकर जोर जोर से सिसकने लगी और उसने जगन का हाथ कसकर पकड़ लिया। श्रुति को देखकर आदिल को झटका लगा। उसे समझ नहीं आया कि इतनी सुंदर और ताकतवर बौनी लड़की एक वेट्रेस के तौर पर काम क्यों कर रही थी।
उसने अपने मन में ठान ली कि अगली बार वो अपने कुछ और साथी लेकर आएगा और श्रुति को भी पकड़ लेगा, जिससे वो और भी ज्यादा पैसे कमा सके। फिर आदिल ने जगन की तरफ देखा, जिसकी हालत में धीरे धीरे सुधार दिखने लगा था, और फिर वो भोला की तरफ देखने लगा। दूसरों के मामले में टांग मत अड़ाओ लड़के, इन बौनों ने हमारे यहाँ से चोरी की है और मेरे पास इसका सबूत भी है। अगर देवी मंदिर से भी यहाँ लोग आएंगे तो वो भी हमारी साइड ही लेंगे, आदिल ने भोला से कहा। तो तुम मुझसे यह कहना चाह रहे हो कि एक बूढ़े आदमी ने अपनी छोटी सी पोती के साथ मिलकर तुम जैसे भयानक डीमंस और दानवों को यहाँ चोरी की है? क्या तुम थोड़ी अच्छी कहानी नहीं बना सकते? आज तुम लोग इन दोनों को हाथ भी नहीं लगा सकते। आरती की सिसकियां सुनने के बाद भोला और भी गुस्से से भर उठा था। अब उसे कुछ कुछ समझ आ चुका था कि असली बात क्या थी। ठीक है, लगता है तुम काफी घमंडी हो, मैं भी तो देखूं कि तुम्हारा सिर्फ मुंह ही चलता है या तुम्हें कुछ आता भी है। आदिल ने अपने तीन हाथ एक साथ ऊपर उठाए और आगे बोला, इन्हें पकड़ लो। रेस्टोरेंट के चारों तरफ खड़े डीमंस और दानव तेजी से भोला और उसके साथियों की तरफ बढ़ने लगे, जिसके बाद आदिल एक बहुत ही खतरनाक मंत्र पढ़ने लगा। उसके सारे के सारे छह हाथों में काली रोशनी दिखने लगी। अब तक रेस्टोरेंट के सभी कस्टमर्स का ध्यान इस लड़ाई की तरफ ही चला गया था। उन्हें जगन और आरती को लेकर काफी सिंपथी महसूस हो रही थी, और साथ ही साथ इतने ताकतवर डीमंस और दानवों का सामना करने के कारण उन्हें भोला की भी चिंता हो रही थी। यामिनी भी चिंता करते हुए किनारे खड़ी थी। वो भी जगन की मदद करके उसे बचाना चाहती थी, लेकिन उसे डर था कि शायद वो ऐसा नहीं कर पाएगी, क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा एक बड़ी प्लेट पकड़कर ही इनकी रक्षा कर सकती थी। मुझे उस बूढ़े आदमी के लिए बहुत दुख हो रहा है, क्या हमें जाकर उनकी मदद करनी चाहिए? वसीम की दुकान के आगे खड़े होकर प्रीति ने कहा। अरे ये तो बौने हैं, अगर हमारा राज खुल गया तो? लवि ने प्रीति का हाथ पकड़ा और ना में सिर हिलाकर बोला, लवि भूलो मत कि अगर उस दिन श्रुति ने हमारी मदद ना की होती तो अब तक हम भी मर चुके होते, और तो और बौनों ने हमारी जाति को तबाह नहीं किया था। प्रीति ने सीरियस होकर लवि से कहा। ठीक है तो फिर चलो हम उन बदमाशों को अच्छा मजा चखाते हैं, थोड़ी देर हेजिटेट होने के बाद लवि ने कहा। वो आगे बढ़ा और एक डीमन पर टूट पड़ा। अच्छे लोगों को परेशान करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बुरे लोगों? अब मेरे आइस फायर बॉम्ब का स्वाद चखो। ठीक तभी रेस्टोरेंट के दरवाजे से एक मीठी सी आवाज सुनाई दी। आइस फायर बॉम्ब सभी के सिरों के ऊपर से होता हुआ आगे बढ़ने लगा, जिसमें आग की लालिमा और बर्फ की सफेदी दोनों शामिल थे। आइस फायर बॉम्ब बहुत तेजी से आदिल की तरफ बढ़ रहा था। अरे लड़की, आदिल ने अपने होंठ काटकर कहा और अपना हथियार आइस फायर बॉम्ब की तरफ घुमा दिया। अभी उसका पूरा ध्यान भोला और लवी की तरफ था, क्योंकि लवी और भोला दोनों ही सातवें लेवल के मैजिशियन थे। अपने सभी साथियों में सिर्फ आदिल ही सातवें लेवल का था, और वो ये लड़ाई जल्दी से जल्दी खत्म करना चाहता था ताकि वो जगन को अपने साथ ले जा सके। आइस फायर बॉम्ब जैसे ही आदिल के हथियार से टकराया, उसमें विस्फोट हो गया। ये विस्फोट इतना भयानक था कि इसकी एनर्जी चारों तरफ फैल गई। शुरुआत में आदिल ने इस हमले को ज्यादा सीरियस नहीं लिया था, लेकिन धमाका देखकर उसके होश उड़ गए। उसने तुरंत ही अपने सामने दो मैजिक शील्ड बना ली। ये शील्ड भी आइस फायर बॉम्ब के कारण कांपने लगी और लगभग पूरी तरह से बर्बाद हो गई। ये छोटी सी लड़की इतनी ताकतवर कैसे हो सकती है? आदिल ने रिया की तरफ देखकर सोचा। उसने सोचा था कि रिया ज्यादा से ज्यादा एक फायरबॉल वाला मंत्र ही पढ़ सकती है, जिसे वो आसानी से एक तरफ फेंक सकता है, लेकिन उसने कभी भी नहीं सोचा था कि रिया का मंत्र एक चौथे लेवल के मैजिशियन की ताकत के बराबर होगा। अगर रिया का यह मंत्र आदिल से सीधा टकराता तो शायद उसका कवच भी उसकी रक्षा नहीं कर सकता था। अगर मैंने इस छोटी लड़की को पकड़ लिया तो टिम्बकटू से मुझे काफी पैसे मिल सकते हैं। जैसे ही आदिल के दिमाग में यह ख्याल आया, उसकी आंखों में चमक बढ़ गई। उसे मालूम था कि टिम्बकटू वाले लोग उसे रिया जैसी शानदार मैजिशियन के बहुत पैसे दे सकते थे। ये आदिल के लिए पैसे कमाने का एक बहुत बड़ा मौका था। वाह, रिया तो कितनी ताकतवर है! रिया की ताकत का नमूना देखकर सभी कस्टमर्स चौंक गए। उनमें से कुछ ही लोगों को यह बात मालूम थी कि रिया ने चौथे लेवल के मैजिशियंस को हराया था। हालांकि जिनके भी दिमाग में इस बात को लेकर शक था, वो सभी एक झटके में दूर हो चुका था।
चार साल की लड़की, वो भी चौथे लेवल की मैजिशियन। ये खबर तो शायद इस पूरे राज्य में खलबली मचा सकती है, नहीं शायद पूरी दुनिया में खलबली मचा सकती है। सभी कस्टमर्स आपस में बातें करने लगे। अपनी बाकी की सेना को भी बुलाओ, आदिल ने अपने बगल में खड़े दानव की तरफ मुड़कर कहा। अब उसके सामने सातवें लेवल के तीन मैजिशियंस और एक कमाल की छोटी लड़की खड़ी थी, जिससे आदिल समझ चुका था कि सारी चीजें उसके काबू के बाहर जाने लगी थी। आदिल को यह भी नहीं पता था कि देवी मंदिर के लोग कब तक आने वाले हैं, लेकिन वो उनके आने के पहले ही जगन को पकड़ना चाहता था। दरअसल जगन ने आदिल के खुफिया अड्डे का पता लगा लिया था, जहां वो बाकी लोगों को कैद करके रखता था। अपने साथी बोनो को आजाद करने की कोशिश करने में जगन ने आदिल के दो साथियों को घायल भी कर दिया था। बस इसलिए ही आदिल जगन के पीछे पड़ा हुआ था। उसने सोचा था कि छठवें लेवल के इस बूढ़े बोने को बहुत आसानी से हरा सकता था। हालांकि जगन कैसे भी करके आदिल के चंगुल से बच निकला और ककाओ गांव आ गया। जैसे ही आदिल जगन को पकड़ने वाला था, तभी बाकी लोगों ने बीच बचाव कर लिया। अगर जगन सभी को आदिल के अड्डे के बारे में बता देगा, तो शायद आदिल को इतने सालों की मेहनत से बनाया गया अपना अड्डा छोड़कर भागना होगा। और अगर देवी मंदिर वालों को आदिल के काले कारनामों का पता चल गया, तो शायद आदिल कभी भी ककाओ गांव में इन कारनामों को अंजाम नहीं दे पाएगा। इसका मतलब बिल्कुल साफ था कि आदिल किसी भी हाल में जगन को जिंदा नहीं छोड़ सकता था। इस सब के अलावा आदिल को जो चीज सबसे ज्यादा मायने रखती थी, वो था पैसा। उसकी टीम को हर साल टिम्बकटू से काफी पैसा मिलता था, यहां तक कि उसे कभी कभार लाइफ एनर्जी वाला पानी भी मिल जाता था। इन सब इनामों के कारण ही आदिल अपनी जान भी जोखिम में डालने के लिए तैयार था। आदिल ने बूढ़े जगन की किस्मत तय कर ली थी, जो कि जगन की मौत थी। आदिल के एक ही मंत्र ने जगन के सीने में छेद कर दिया था, लेकिन फिर भी जगन भागकर ककाओ गांव तक आ गया था, जो आदिल के लिए बहुत ही चौंकाने वाली बात थी। अब आदिल चाहता था कि जगन किसी को भी कुछ ना बताए। अब आदिल चाहता था कि जगन इससे पहले कि किसी को कुछ बता पाए, उससे पहले ही उसे मार दिया जाए। जी अभी बुलाया, आदिल के बगल में खड़े दानव ने कुछ कदम पीछे जाकर कहा और अपनी जेब से एक छोटा सा डिब्बा निकाल लिया। जैसे ही उसने वो डिब्बा खोला, उसके अंदर से तीन छोटे छोटे कीड़े निकले और अंधेरे में तुरंत ही गायब हो गए। बहुत से डीमंस और दानव लवी से लड़ाई कर रहे थे। लवी अब एक बड़े से भालू में बदल चुका था। लवी इन सभी से काफी ताकतवर था, लेकिन ये लोग संख्या में काफी ज्यादा थे, इसलिए लवी को यह जानने में बहुत कठिनाई हो रही थी कि हमला कहां से होने वाला है। आदिल ने भी भोला की तरफ ध्यान से देखा और उसके जादू से बचने का तरीका सोचने लगा। अगर उसे जगन पर सीधा हमला करना था, तो सबसे पहले उसे भोला का जादू तोड़ने की जरूरत थी। अब तक प्रेम भी रेस्टोरेंट के दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया था। वो रिया के बगल में खड़ा होकर दिलासा भरी नजरों से जगन और आरती को देख रहा था। पापा, वो बड़ी दीदी कितनी दुखी लग रही हैं। क्या हमें उनकी मदद करनी चाहिए? रिया ने पूछा। वो बड़े भैया आयशा और लवी ऑलरेडी उनकी मदद कर रहे हैं, इसलिए अभी हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, वरना शायद हम उनके रास्ते में आ सकते हैं। प्रेम ने ना में सिर लाकर जवाब दिया। प्रेम को पता था कि भोला, श्रुति, प्रीति और लवी जैसे सातवें लेवल के लोगों के होते हुए और किसी की भी कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि ये तीनों ही इस सिचुएशन के हिसाब से काफी थे। ठीक है पापा, रिया ने सिर हिलाकर जवाब दिया और धीरे से बड़बड़ाया। अगर ये लोग जीत नहीं पाए तो मैं इन लोगों की मदद करूंगी। दादाजी, दादाजी उठिए, मैं आपके बिना नहीं जी सकती, आरती ने जगन का हाथ हिलाते हुए कहा और उसकी आंखों से आंसू बहते हुए उसके गाल पर दिखने लगे। आओ मैं तुम्हारी मदद करूं, प्रीति ने श्रुति की तरफ जाते हुए कहा और अपने घुटनों पर बैठ गई। तभी उसके हाथ से एक हरा बीज बाहर निकल आया। बीज में से एक हरी रोशनी निकलकर जगन के शरीर पर पड़ी और उसे ढक लिया। अब तक जगन का खून बहना पूरी तरह से रुक गया था और जगन का घाव भी पूरा भर चुका था, लेकिन फिर भी जगन की सांसें धीमी होती जा रही थीं। आरती को देखकर प्रीति का दिल भर आया। उसने प्यार से आरती के बालों में हाथ फेरा। जगन को महसूस हो रहा था जैसे उसकी आत्मा उसके शरीर से निकल गई हो और अब वो किसी नई जगह पर पहुंच गया हो, जहां उसे अपने 8 सालों की जिंदगी अपने सामने दिख रही थी। जगन का जन्म टिम्बकटू में ही हुआ था
और उसने वहीं अपना बचपन और जवानी बिताई थी। उस दौरान बहुत ही पुराने पुराने पेड़ टिम्बकटू में पाए जाते थे। बच्चे पक्षियों और जानवरों के साथ खेला करते थे। लोग पेड़ों से फल तोड़कर खाते थे और वहीं रहा करते थे। सभी की जिंदगी बहुत ही आराम से गुजर रही थी। ना तो किसी को पैसों की परवाह थी और ना ही वंश वृक्ष वाला सिस्टम मौजूद था। बौनों के पास पूरी आजादी थी। सभी बौने एक दूसरे को बराबर मानते थे और भाईचारे के साथ रहते थे। इसके बाद दानव और डीमंस आए और उन्होंने अपने काले जादू से बौनों की हत्याएं की। कई पुराने पेड़ों को गिरा दिया और कई बौनों को बंदी बनाकर गुलामी के लिए दुनिया के अलग अलग कोने में बेच दिया। पूरी बौनी जाति भेड़ बकरी की तरह बनकर रह गई और डीमंस और दानव उन्हें कुचलने लगे। टिम्बकटू की शांति पूरी तरह से तबाह हो चुकी थी। चारों तरफ लड़ाइयां होने लगी थीं। दानवों और डीमंस ने मिलकर पूरी बौनी जाति को मिट्टी में मिला दिया था। कुछ बौने टिम्बकटू से भाग गए, लेकिन टिम्बकटू के बाहर की दुनिया भी बदल चुकी थी। चारों तरफ सिर्फ लड़ाइयां ही लड़ाइयां हो रही थी और कोई भी जाति इससे नहीं बच पाई थी। बौनी जाति के सबसे बुरे दिनों के दौरान बौनों की रानी और उनकी मंत्री हर्षिता भगवान के भेजे हुए दूतों की तरह सामने आई। उनके अंदर लड़ाई और ताकत दोनों हुनर थे और हर लड़ाई में वो हमेशा आगे हिस्सा लेती थी। बौनों ने उनके साथ मिलकर काम करना चालू कर दिया और वो लोग दानवों और डीमन से अपनी जगह की रक्षा करने के काबिल हो पाए। इसी के साथ साथ उन्हें ट्री ऑफ लाइफ का भी सपोर्ट मिलने लगा। इस समय तक बौनों की रानी को देवी की तरह पूजा जाने लगा था। इसके साथ साथ मंत्री हर्षिता की भागीदारी को भी किसी ने नहीं नकारा। हर्षिता ने लोगों के अंदर विश्वास और साहस बढ़ाने में भी मदद की थी। जब भी लोग उम्मीद हार जाते थे तो हर्षिता ही उन्हें साहस देती थी। उसने ही टिम्बकटू की रक्षा के लिए लोगों को योद्धा बनाया। उसने ही लोगों को तीर और कमान के साथ जादू की छड़ी थमाकर हमलावरों से टिम्बकटू की रक्षा की। जगन भी टिम्बकटू की रक्षा के लिए ही बना एक योद्धा था। उसने कई दानवों और डीमंस को मौत के घाट उतारा था और कई बार जंग में घाव भी खाए। सबसे कठिन दौर में भी उसके साथी उसका हौसला बनकर उसके साथ खड़े थे। उसने हमेशा रानी का आदेश माना और उसके अंदर हमेशा जीतने की आशा बनी। कई सदियों के बाद जाकर स्पीशीज के बीच की लड़ाई खत्म हुई। बौनी जाति को बहुत गहरे नुकसान हुए, लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ दानवों और डीमंस को टिम्बकटू में हमेशा के लिए रहने दिया। उस दिन मंत्री हर्षिता ने ककाओ गांव के बाकी लोगों के साथ एक पीस ट्रीट साइन किया, जिसके बाद बौनी जाति को टिम्बकटू का पूरा अधिकार मिल गया। इस जीत का जश्न करीब आधे महीने तक चलता रहा, क्योंकि अब सारे बौने दोबारा से टिम्बकटू में एक आजाद जिंदगी जी सकते थे। कम से कम जगन और उसके साथी योद्धाओं ने तो ऐसा ही सोचा था। इसके बाद मंत्री हर्षिता दोबारा लौटकर टिम्बकटू आ गई और जिसने भी स्पीशीज के बीच में हुई लड़ाई में भागीदारी निभाई थी उन्हें जमीन और जायदाद बांटी गई। इस सब में किसी को भी कोई दिक्कत नहीं थी। जिन भी लोगों को इनाम दिया गया था वो इसके हकदार थे। हालांकि तभी जगन को महसूस हुआ कि कुछ तो गड़बड़ हो रही थी। उन दिनों बौनी जाति में सोने के सिक्कों का चलन नहीं था। सभी लोग एक जैसे थे और किसी का भी कोई इलाका नहीं था, इसलिए पूरे टिम्बकटू में कोई भी बौना यहां से वहां घूम सकता था। इनाम मिलने के 3 दिन बाद ही जगन ने अपना इनाम लौटा दिया और टिम्बकटू से बाहर निकल आया, क्योंकि उसके बाकी साथियों ने भी ऐसा ही किया था। अपनी लड़ाई की सारी यादों को पीछे छोड़कर बहुत से बौने राज्य में घूमने के लिए निकल चुके थे। उस समय स्पीशीज के बीच की लड़ाई ठीक खत्म ही हुई थी और बहुत सी जातियां इस लड़ाई के नुकसान से जूझ रही थीं। डीमंस और दानवों के इलाकों के साथ साथ अब सभी बौने कहीं भी घूम सकते थे। इसी कारण धीरे धीरे सभी बौने लड़ाई की बातें भूलने लगे और उन्होंने एक नई जिंदगी की शुरुआत कर ली। जगन का मन भी सफर करते करते ठीक होने लगा था। बहुत से लोग अब उसके दोस्त बन चुके थे। उनमें से कुछ यहां वहां घूमने वाले बौने भी शामिल थे।
उस दौरान जगन यहां वहां घूमता रहता था और अपनी आजाद जिंदगी एंजॉय करता था। हालांकि 20 साल पहले सब कुछ बदल गया। जल्दी ही राज्य में दानवों और डीमंस के अलग अलग गुट दिखने लगे और इनका शिकार घूमने वाले बौने बने। बहुत से बौनों को अंधेरी जेल में डाल दिया गया। एक बार फिर अंधेरे का राज फैल गया और बौनों को उसमें शामिल कर दिया गया। कुछ बौने अपनी रक्षा के लिए टिम्बकटू वापस लौट आए, लेकिन वहां भी उन्हें बहुत सारे बंधनों में बांध कर रख दिया गया। अब बौनों के पास टिम्बकटू छोड़ने का कोई भी मौका नहीं बचा था और बड़े परिवारों ने बौनों की कमान संभाल ली थी। एक के बाद एक बहुत सारे बौने गायब होते रहे और बड़े परिवारों में टिम्बकटू के बहुत से बौने गुलाम बनकर रह गए। उनके ऊपर एक खास तरह का जादू किया गया जिससे वो अपना इलाका छोड़कर नहीं जा सकते थे। जगन को इस बारे में 20 साल पहले ही पता चला। इस दौरान वो अपने एक दोस्त से मिलने गया था, जहां उसने पाया कि उसके दोस्त का घर अब बर्बाद हो चुका था। वहां एक पत्थर पर कुछ लिखा हुआ था। उसके हिसाब से कुछ बौनों को डीमंस और दानवों ने बंदी बना लिया था। 3 दिन बाद जगन को एक बौना मिला जो टिम्बकटू से भागा हुआ था। उसने जगन को बताया कि गायब हुए कुछ बौने बड़े परिवारों के यहां गुलाम बनकर रह रहे हैं और उसमें से एक बौने का पैर भी गायब है। इस बात से जगन को बहुत गहरा सदमा पहुंचा। स्पीशीज के बीच की लड़ाई के बाद बौनी जाति को जो सबसे बड़ा खतरा था वो किसी दूसरी जाति से नहीं था, बल्कि टिम्बकटू के अपने ही लोग अब उनके लिए खतरा बन चुके थे। बौनों के बड़े परिवार जितना दुख बौनी जाति को और किसी ने नहीं दिया था। जगन को तो यह भी समझ में नहीं आ रहा था कि बौने इतने बेरहम कैसे हो सकते थे। ना ही उसे यह समझ आता था कि जिन लोगों के साथ मिलकर उसने लड़ाई लड़ी थी वो उनकी रक्षा करने के बजाय उनके साथ ऐसा कैसे कर सकते थे। लेकिन जगन भी क्या कर सकता था। अगर वो टिम्बकटू लौटकर चला जाता तो शायद उसकी आजादी भी छिन जाती। इसलिए यहां वहां घूमने वाले सभी बौनों ने राज में घूमना ही ठीक समझा। वो अपनी आजादी पर अड़े रहे जो शायद किसी भी पल उनसे वापस छिन सकती थी। एक के बाद एक और भी बौने गायब होते रहे और साथ ही साथ और भी ज्यादा डीमंस और दानवों के शिकारी गुट बनते गए। ऐसी चीजें 6 साल पहले तक चलती रही। इसके बाद राजकुमारी इशिता टिम्बकटू छोड़कर राज्य घूमने के लिए निकल पड़ी ताकि वो इन सभी गुटों का शिकार कर सके। इसका नतीजा यह हुआ कि आसपास के सभी शिकारी गुट तबाह हो गए। साथ ही साथ ये तो बस एक शुरुआत थे। राजकुमारी इशिता एक एक करके सभी शिकारी गुटों को बर्बाद करती रही। अब शिकारी और शिकार का खेल बदल गया था और अब शिकारी अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे थे। यहां वहां घूमने वाले सभी बौनों के लिए राजकुमारी इशिता एक रक्षक के रूप में सामने आई। उसने कई शिकारी गुटों को तबाह कर दिया और कई कैदी बौनों को आजाद किया, जिससे यहां वहां घूमने वाले बौनों की नजरों में राजकुमारी इशिता की एक अलग अहमियत बन गई। 5 साल पहले जगन ने पहली बार राजकुमारी इशिता को देखा था। उस दौरान जगन 2 बौनों को डीमन से आजाद कराने के कारण काफी घायल हो गया था। जब जगन अपनी हार के बिल्कुल करीब था तभी राजकुमारी इशिता ने एक आदमी के साथ आकर सारे डीमंस को मिट्टी में मिला दिया। हालांकि वो दोनों बौने मारे जा चुके थे और उनकी एक छोटी सी बेटी को वो अपने पीछे यूं ही छोड़ गए थे। इशिता ने जगन के घाव भर दिए और उस लड़की की हिफाजत जगन के कंधे पर सौंप दी। इशिता ने ही उस लड़की का नाम आरती रखा। 3 साल पहले राजकुमारी इशिता टिम्बकटू वापस चली गई और उसके बाद किसी ने भी उनके बारे में कोई खबर नहीं सुनी। शिकारियों के गुट दोबारा से बौनों के शिकार के लिए निकल पड़े। यहां वहां घूमने वाले बौनों के लिए यह एक बुरे सपने से कम नहीं था। जगन आरती के साथ बहुत सारी जगह घूम चुका था। वो आरती को हमेशा आजाद बने रहने की सीख सिखाता था और आरती ही उसकी आखिरी उम्मीद थी। आरती के लिए जगन अपनी जिंदगी भी दांव पर लगाने के लिए तैयार था। दादाजी, जगन की आत्मा गायब होने ही वाली थी तभी उसे किसी की सिसकती हुई आवाज सुनाई दी। आरती, जगन ने अपनी आंखें खोलकर कहा और आरती के गालों पर अपना हाथ रखते हुए आगे बोला,
मत रो मेरी प्यारी बेटी, मत रो। पापा वो उठ गए, रिया ने खुश होकर कहा और एक राहत की सांस ली। प्रेम और बाकी कस्टमर्स की भी जान में जान आई। प्रीति और श्रुति दोनों मैजिशियंस घाव भरने की कला में बहुत ही काबिल थे। उन दोनों की मौजूदगी में बहुत ज्यादा घायल व्यक्ति को भी बचाया जा सकता था। जगन की हालत में पहले से काफी सुधार दिख रहा था, लेकिन प्रीति काफी उलझे हुए तरीके से जगन की तरफ देख रही थी। जैसे ही उसने अपना हाथ ऊपर किया, उसके हाथ में से रोशनी गायब हो गई। श्रुति ने भी जैसे ही अपना हाथ पीछे किया, उसके होंठ कांपने लगे। वो जो भी कर सकती थी वो कर चुकी थी, लेकिन जगन अब अपनी जिंदगी के आखिरी दौर पर पहुंच चुका था और अब उसकी जिंदगी खत्म होने के कगार पर खड़ी थी। अभी शायद जिंदगी ने जगन को कुछ पल उधार दे दिए थे। थोड़ी देर के लिए तो भोला के चेहरे पर भी खुशी की लहर दौड़ आई थी, लेकिन जैसे ही उसने श्रुति और प्रीति के एक्सप्रेशंस देखे, वो फिर से उदास हो गया। वो समझ चुका था कि उसे जिस बात का डर था वो होने ही वाला था। उसने आरती के चेहरे की खुशी देखी और फिर दिलासा भरी नजरों से उसकी तरफ देखने लगा। दादाजी आप आखिरकार उठ ही गए, मुझे तो लगा था कि आप मुझे छोड़कर चले गए। आरती ने जगन का हाथ दबाकर अपना चेहरा खुशी से उसके हाथों में छुपा लिया। ये बुढ़ा अभी तक नहीं मरा, आदिल ने जगन की तरफ मुड़कर कहा और उसका चेहरा गुस्से से भर उठा। अगले ही पल उसने अपने ऊपर के हाथ हवा में लहराए और दो काली जादू की गेंदें जगन की तरफ उड़कर आवाज करती हुई जाने लगी। ठीक उसी समय आदिल काफी तेजी से अपने हथियार हिलाते हुए रेस्टोरेंट के दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। अब तुम्हारे मरने का समय आ गया है, भोला ने आदिल की तरफ घूर कर कहा और अपनी छड़ी हवा में घुमाई। भोला के सामने एक हरी रोशनी चमकी और उसने आदिल की काले जादू की गेंदों का बीच में रास्ता रोक लिया। एक जोरदार झटके से काले जादू की गेंदें गायब हो गईं और आदिल के चारों तरफ मौजूद बैरियर भी तबाह हो गया। ठीक उसी समय जमीन से काफी मोटी मोटी बेलें निकली और आदिल को जकड़ने लगी, और साथ ही साथ लकड़ी की बड़ी बड़ी दीवारें आदिल का रास्ता रोकने लगीं। बेटा आरती, अब मैं बहुत दूर जाने वाला हूं, अब मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रख पाऊंगा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि तुम हिम्मत बनाए रखोगी, कभी भी अपने दिल में नफरत नहीं पनपने दोगी, तुम्हें एक अच्छा और आजाद बौना बनना है। जगन ने आरती के चेहरे पर हाथ फेरते हुए स्माइल करके कहा। आप कहां जा रहे हैं दादाजी, मुझे भी अपने साथ ले चलिए, मुझे डर लग रहा है, आरती ने डर कर सिसकते हुए कहा। इस बार मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता, जगन ने अपना सिर हिलाकर कहा और आसमान की तरफ इशारा करके बोला। एक बार मंत्री हर्षिता जी ने कहा था कि बौने मरने के बाद सितारों की दुनिया में खो जाते हैं, हमारी आत्माएं रात में सितारों के तौर पर चमकती है, जब भी तुम्हें मेरी याद आए तो आसमान की तरफ देखना, मैं वहां से हमेशा तुम पर नजर रखूंगा। नहीं, मैं नहीं चाहती कि आप सितारा बन जाएं, मैं चाहती हूं कि आप हमेशा मेरे साथ रहें, आरती ने ना में सिर हिलाकर कहा और उसके चेहरे पर आंसू बहने लगे। पापा क्या ये भी मां की तरह सितारा बन जाएंगे, रिया ने पूछा। नहीं नहीं, यहां चीजें थोड़ी अलग हैं, तुम्हारी मां तो अभी कुछ दिनों के लिए हमसे दूर रहने के लिए गई है, एक ना एक दिन वो वापस जरूर आएगी, प्रेम ने ना में सिर हिलाकर रिया के बालों में हाथ फेरते हुए कहा। फिर जैसे ही उसने जगन की तरफ देखा, उसका दिल दुख से भर उठा। प्रेम जानता था कि अगर अभी वो जगन की जगह होता तो वो भी रिया के लिए ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश करता, लेकिन वो इस बारे में भी नहीं सोच सकता था कि उसके जाने के बाद रिया का क्या होगा। शायद उस दौरान उसे भी ऐसे ही दिल दुखाने वाले तरीके से अलविदा कहना पड़ सकता था। श्रुति भी दुखी अंदाज से जगन की तरफ देखने लगी। उसे पहली बार यहां वहां घूमने वाले बौने मिले थे, लेकिन उसने कभी भी नहीं सोचा था कि एक दिन में ही उसे उनमें से एक की मौत देखनी पड़ेगी। ठीक उसी समय उसे जिंदगी की सच्चाई का एहसास हुआ। जब जगन की आंखें खुली थीं, तब कस्टमर्स ने राहत की सांस ली थी, लेकिन अभी जो हो रहा था उसे देखकर उनकी नजरें दिलासा से भर गई थीं। प्यारी बेटी, तुम बहुत मासूम हो, दादाजी अब बूढ़े हो गए हैं और अब उन्हें तुम्हें छोड़कर जाना ही पड़ेगा, तुम जैसी पोती पाकर मुझे बहुत गर्व महसूस होता है,
जगन ने स्माइल करते हुए कहा, लेकिन फिर भी उसकी आंखों में आरती के लिए चिंता साफ झलकने लगी। फिर उसने बड़ी मुश्किल से अपना सिर भोला की तरफ घुमाया और आगे बोला, भोला जी, क्या आप मुझ पर एक एहसान करेंगे? जी, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा, भोला ने जगन की तरफ मुड़कर सिर हिलाते हुए कहा। आरती के मां बाप पहले ही मर चुके हैं और अब मैं भी मरने वाला हूं, क्या आप दोनों आरती का ख्याल रखेंगे? जगन ने भोला से कहा। दादाजी, मैं आपके साथ ही रहना चाहती हूं, मुझे किसी और की जरूरत नहीं है, प्लीज आप मत जाइए, आरती ने सिसकते हुए कहा और जगन के हाथ को गले से लगा लिया। बेचारी बच्ची, प्रीति ने दिलासा भरी नजरों से आरती की तरफ देखकर कहा और बिल्ली बनकर लवी की तरफ जाने लगी। उन दोनों के बीच एक गहरी रोशनी दिखी और वो अपनी भाषा में बोली, लवी उसे रोको। लवी डीमंस और दानवों से घिरा हुआ था, लेकिन अचानक से उसकी ताकत बढ़ गई। उसने एक ही झटके से अपने सामने खड़े दानव और डीमंस को एक तरफ फेंक दिया। फिर उसने अपने पीछे खड़े दो डीमंस को भी एक तरफ उछाला और खुद आदिल की तरफ कूद गया। उसने कसकर आदिल को पकड़ लिया, जिससे आदिल और लवी उलझकर तेजी से जमीन पर गिर गए। भोला की जादुई बेलें अब आदिल की जगह बाकी डीमंस और दानवों की तरफ बढ़ने लगी और उन्हें आगे बढ़ने से रोकने लगी। भोला जगन की आंखों में देखकर काफी देर तक चुप रहा, फिर उसकी नजर सिसकती हुई आरती पर पड़ी। आरती के चेहरे पर आंसू बह रहे थे और उसकी आंखें रोने के कारण सूज गई थी। भोला के दिमाग में अभी भी आरती का आइसक्रीम खाते हुए खुशी भरा चेहरा आ रहा था, लेकिन अब वो खुशी धीरे धीरे गायब हो रही थी। जगन की तरफ दोबारा मुड़ने से पहले भोला थोड़ी देर और शांत रहा। जी, मैं इसका ध्यान रखूंगा और इसे एक अच्छा आजाद बौना बनाऊंगा, भोला ने जगन से कहा। बहुत बहुत शुक्रिया, जगन ने स्माइल करते हुए कहा। जगन ने अपने झुर्रीदार हाथ से आरती का हाथ कसकर पकड़ा और फिर लवी और आदिल की तरफ देखकर उसने भोला से पूछा, क्या तुम्हें पता है कि ये लोग हमारा शिकार क्यों कर रहे थे? मुझे नहीं लगता कि वो आदमी सच बोल रहा था, भोला ने ना में सिर हिलाकर जवाब दिया। श्रुति ने कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन वो चुप बनी रही। हालांकि जगन ने तुम की जगह तुम दोनों शब्द का इस्तेमाल किया था, इसलिए श्रुति जानती थी कि भोला के साथ साथ आरती का ख्याल रखने में वो भी शामिल थे। इन लोगों को यहां वहां घूमने वाले बौनों का शिकार करने के लिए ही लगाया गया है और ये इस काम में माहिर हैं। इन लोगों ने जितने भी बौनों को अभी तक बंदी बनाया है वो ककाओ गांव से उत्तर की तरफ 5 किलोमीटर दूर रखे गए हैं। उन लोगों को टिम्बकटू ले जाया जाएगा, जहां उन्हें बड़े परिवारों की गुलामी करनी होगी या उन्हें योद्धा बनाकर टिम्बकटू की रखवाली के लिए छोड़ दिया जाएगा। जो भी बौना ऐसा करने से मना करेगा उसे मार दिया जाएगा। जगन के चेहरे पर एक अजीब सी स्माइल आ गई और उसने अपनी आखिरी सांस लेकर कहा, स्पीशीज के बीच की लड़ाई खत्म हो चुकी है, फिर भी डीमंस और दानव हमसे बदला ले रहे हैं, लेकिन इस बार इस सब के पीछे टिम्बकटू के लोग ही हैं। कितने दुख की बात है। तभी जगन का हाथ नीचे की तरफ गिर गया और उसकी आंखें आरती पर ही टिकी रह गईं।